Okay, so screen is visible to you? यस सर। ठीक है, पहले हम कुछ केस लिख लेते हैं कॉग्निजेंस को लेकर, देन ओनली वी प्रोसीड फर्दर, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आते हैं और कॉग्निजेंस में मेंस में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले हम कुछ कॉग्निजेंस के बारे में जान लेते हैं, कॉग्निजेंस होता क्या है, देन ओनली विल प्रोसीड फर्दर। ओके, तो कल हमने ऑलरेडी किए सेक्शंस, क्विक रिवीजन लेते हुए कर लेंगे हम। सेक्शन 190 हमने किया, हम बात कर रहे हैं कॉग्निजेंस की, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो सेक्शन 190 में हमने क्या देगा कि कौन कौन कॉग्निजेंस ले सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एम्पावर्ड बाय सीजेएम, और अगर आगे चलेंगे तो इसमें कंडीशन थी ए बी सी। ए में क्या लेते हैं, ऑन कंप्लेंट, एम आई राइट? यस सर। रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन बाय अदर पर्सन, कोई और भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, या ऑन नॉलेज। इसको ऐसे लिखना, बेसिकली याद रह जाती है चीजें, इसको हम बोल सकते हैं सुमोटो। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये जो प्रोविजन है 190 का टू है ये। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 191 पढ़ा हमने, 191 में हमने क्या पढ़ा? हाँ जी, 191 में हमने क्या कवर किया है, चलो अब बताइए जल्दी जल्दी। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन। ओके, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज, ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड होगा। ठीक है, ऑफ एक्यूज्ड, अगर एक्यूज्ड ने एप्लीकेशन लगाई, मेरा केस कहीं और ट्राई होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। ये एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, केस कहाँ ट्रांसफर होगा, किसके पास जाता है? सीजीएम साहब के पास जाएगा, फिर सीजीएम चाहे तो जैसे मर्जी उसको ट्रांसफर करे। ठीक है, देन 192 में हमने पढ़ा सेक्शन 192, मेकिंग ओवर। मेकिंग ओवर, मेकिंग ओवर मतलब सीजीएम साहब जो है वो नीचे भेज देंगे केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को या एमएम को, अब वो डिसाइड करेंगे आगे कैसे चलना है। नाउ देन वी हैव, इसमें डायरेक्शन भी दी जा सकती है, मैं सारा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक ग्लिम्स ले रहे हैं ताकि हमें कॉग्निजेंस समझ में आ जाए। ऑलरेडी हमने कल किया था यहाँ तक कॉग्निजेंस ऑफेंस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नो कोर्ट ऑफ सेशन टेक अ कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन इसे एक्सेप्शन भी है, अंडर सेक्शन 199 के टू में डायरेक्ट कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। ये हमने पढ़ लिया था, इसके बाद हमने 194 भी पढ़ा था, जहां हमने देखा था एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, इनको कौन केस देता है, एलोकेशन कौन करता है, कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हाई कोर्ट भी कर सकता है, स्पेशल ऑर्डर से करेगा, भाई इतना ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? पूरा चैप्टर आपके सामने बन गया। मुश्किल से एक बात बताइए, आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं क्या? हाँ जी, सी यस और नो? आई एम ऑडिबल टू यू? सीमा, अर्चना, यामिनी, पूर्णिमा, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो आप ऐसे नोट्स बनाते हैं अपने? सर इन्हीं नोट्स पे बना लेती हूँ मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स, तो कभी ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, आप अलग से अपनी कॉपी बनाइए या रजिस्टर लिखिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिखाओ। इतना बड़े चीजों में आप ध्यान देखोगे तो कभी प्रीलिम्स में क्या होता है, इन चीजों को तो देखना पड़ेगा तुम्हें, बस अपने हाथ के लिखी हुई जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अदरवाइज पूरी किताब खोलोगे ना वैसे ही घबरा जाओगे,
मैं इतनी आसानी से कैसे कह देता हूँ चलो आज आज सीआरपीसी करेंगे, एक दिन में हो जाएगी सीआरपीसी, दो दिन में सीपीसी हो जाएगा, ये एक दिन में हो जाएगा, बिकॉज ये हैंडी है हमारे पास बनी हुई ऐसे ट्रिक्स। आप सिंपली टाइम नहीं लगेगा ना दोबारा, ये आमने आपने लिख रखा है ऐसे क्या? ये हर्षना सीता, नो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोगों ने ऐसे शॉर्ट्स नोट नहीं बना रखे। एक आप तो मेंस के लिखते हैं, सर, ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स के नहीं है, लेकिन कुछ के नहीं है, तो उसमें सीआरपीसी है एक। क्या सीआरपीसी के नहीं है? सर ऐसे शॉर्ट में नहीं बनाए हुए हैं, बस बेरिट में ही कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब एक काम करना, अगर हो सके, क्योंकि अभी टाइम निकला नहीं है, सीआरपीसी का हमने बहुत ज्यादा तो करा नहीं लेकिन बेसिक हो गया है, इसके ऐसे नोट्स बनाना ठीक है, देन ओनली इट विल गिव यू बेनिफिट। आई कैन अंडरस्टैंड यू मे करेक्ट ऑल दी 15 में से 12-13 आराम से कर लोगे, लेकिन हाउएवर अगर ऐसे नोट्स बनाओगे तो कभी एक भी गलत नहीं होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे जो प्रोविजन थे कॉग्निजेंस से रिलेटेड थे। अब कॉग्निजेंस का मतलब हम ऑलरेडी वैसे कल समझ चुके, थोड़े से एक दो केस लिखने भी पड़ते हैं, क्योंकि कॉग्निजेंस मीन्स का भी मेंस में भी पूछा जा सकता है। कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस मतलब है मीन्स बिकम अवेयर ऑफ, बिकम अवेयर ऑफ, ठीक है, यानी मेरे संज्ञान में ये चीज आ गई है, हिंदी में हम इसको संज्ञान बोल देते हैं ठीक है। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं, व्हेन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जज, व्हेन मजिस्ट्रेट और जज फर्स्ट एक जुडिशियल नोटिस, जब इस किसी बात का जुडिशियल नोटिस वो लेता है, जुडिशियल नोटिस यानी उसके संज्ञान में आ गया, उसकी नॉलेज में आ गया ऑफेंस का। अच्छा एक बात बताइए, कॉग्निजेंस जो लिया जाता है वो ऑफेंस का लिया जाता है या एक्यूज्ड का लिया जाता है? ऑफेंस ठीक है, ऑफेंस का लिया जाता है कि ये घटना घटी है, ये इस पे कार्रवाई होनी है और हमें इस केस को सुनना है। एक्यूज से क्या मतलब? एक्यूज को कोई मैं पर्सनली जानता हूं या ना जानता हूं इससे क्या मतलब, लेकिन ऑफेंस के बारे में मैं जानता हूं कि ये ऑफेंस घटना घटी है, मुझे लगता है इस मामले में ट्रायल इन्वेस्टिगेशन अगर हो गई है तो ट्रायल स्टार्ट किया जाना चाहिए। और टेकिंग कॉग्निजेंस का मतलब क्या होगा? टेकिंग कॉग्निजेंस, टेकिंग कॉग्निजेंस मीन्स इंक्लूड द इंटेंशन ऑफ इनिशिएटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंटेंशन, इंटेंशन ऑफ इनिशिएटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, कि जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है अगेंस्ट, किसके खिलाफ होगी? अगेंस्ट एन ऑफेंडर के खिलाफ होगी, जिसने ऑफेंस किया है उसके खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए। इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? इन रिस्पेक्ट ऑफ जो उसने ऑफेंस किया है, ठीक है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना अगेंस्ट द ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस, दैट इज कॉल्ड टेकिंग कॉग्निजेंस। अब टेकिंग कॉग्निजेंस, जब कॉग्निजेंस ले लेती है कोर्ट, यानी जुडिशियल माइंड अब स्टार्ट हो गया लगाना, कोर्ट अपना माइंड लगा रही है केस में। अब नाउ कोर्ट विल स्टार्ट सीइंग कि क्या करना है, कैसे करना है, ट्रायल कैसे स्टार्ट होगा, देन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? माना कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, चलो एक काम करते हैं, सपोज कीजिए 192 में मेक ओवर करके केस आ गया किसके पास? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास केस आ गया। नाउ व्हाट ही विल डू? सर प्रोसेस इश्यू करेगा क्या कि अक्यूज के अगेंस्ट? अब स्टेप स्टार्ट होते हैं। अगर देखो दो चीज है ना, एक तो केस, या तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा 190A के अंदर, 190 का ए बी सी पढ़े थे ना हमने, यहाँ पे तो पुलिस रिपोर्ट है और यहाँ पे क्या है, कंप्लेंट। तो अब क्या करेगा, जब क्या पता कंप्लेंट से स्टार्ट हुआ हो केस, क्या पता पुलिस रिपोर्ट से स्टार्ट हुआ हो,
चारों में से कोई भी बात हो सकती है. नेक्स्ट स्टेप इज इशूइंग अ प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. अब इशू प्रोसेस 204 में आज इसको भी पढ़ डालेंगे. ठीक है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में. अच्छा एक बात बताइए, जो कॉग्निजेंस लिया जाता है, कॉग्निजेंस जो लिया जाता है, इज इट अ ट्रायल से पहले होगा, ट्रायल के बाद होगा ये, या ड्यूरिंग द ट्रायल होता है कॉग्निजेंस? एक केस का नाम लिख लेंगे हम, आर आर चारी वर्सेस CHRI है. ठीक है, आर आर चारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इसमें बस छोटी सी कंट्रोवर्सी थी, यही कहा गया कि जो कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेती है, इट इज अ स्टेप, ये वो स्टेप है प्रिलिमिनरी टू द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल. स्टेप प्रिलिमिनरी टू द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल. ट्रायल से पहले का है ये. ठीक है, ऑफकोर्स ही बात है, इशू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. इशू प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर हम ट्रायल की तरफ मूव करेंगे. अब ट्रायल तो चार तरीके के हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. कोर्ट ऑफ सेशन हो सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने होगा, वॉरेंट ट्रायल हो गया. ठीक है, एक हो गया आपका समन, एक हो गया समरी. इसमें भी दो तरीके के हैं, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट. एम आई राइट? हाँ जी, ये समझ में आई बात? इशू प्रोसेस के बाद की तो बात है, ट्रायल स्टार्ट होगा बाद में, तो कॉग्निजेंस तो ट्रायल से पहले लिया जाएगा ना. तो कॉग्निजेंस क्या होता है? स्टेप प्रिलिमिनरी टू द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल. ट्रायल से पहले है. अब ट्रायल अगर स्टार्ट हो जाएगा तो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने. और वारंट ट्रायल जो है वो दो तरीके का है, इंस्टीट्यूट ऑन पुलिस रिपोर्ट, इंस्टीट्यूट ऑन कंप्लेंट, देन समरी ट्रायल, समन ट्रायल, देन इज अ समरी ट्रायल. और एक बात देखो यहाँ पे कितने क्लियर है, हम ये क्लियर करने के बाद ये बड़ी जल्दी हो जाती है. 18, 19, 20, 21, चार चैप्टर बहुत कितने से बहुत एक दिन में हो जाएंगे, एक या दो दिन में हो जाएंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. आर आर चारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. अब एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा था जो कॉग्निजेंस जब कोर्ट लेती है, जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, क्या बहुत ज्यादा क्लोजली स्क्रूटनाइज करना होता है? स्क्रूटनाइज द केस, स्क्रूटनाइज द एविडेंस. तो आप कुछ बुलेट पॉइंट्स भी लिखा लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन रिलेशन विद द कॉग्निजेंस. तो जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, संज्ञान लेती है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू क्लोजली स्क्रूटनाइज. When the court is taking cognizance, is not required to take, to closely scrutinize the evidence. जरूरी नहीं है कि सारे evidence को उसी वक्त देख ले. अरे उसी वक्त देख लेगी तो trial तो काफी लंबा चलता है, impossible हो जाएगा. एक दिन में एक ही केस भी नहीं हो पाएगा. बट कोर्ट कम से कम एक बात को जरूर ध्यान में रख ले कि हाँ, प्रिमा फेसी केस बनता है, प्राइमा फेसी केस बन रहा है. इतना तो देख ही सकती है कि प्रिमा फेसी केस बन रहा है अभी, देन ओनली दे विल प्रोसीड. ठीक है, प्राइमा फेसी केस बनता है. और अगर कोई सपोज करो कंप्लेंट के ऑन कंप्लेंट के जरिए से अगर केस स्टार्ट हुआ है और कोर्ट तब कॉग्निजेंस ले रही है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सपोज कीजिए 19 का 190 का सॉरी ए है, ये वाली सिचुएशन है.
देन व्हाट मजिस्ट्रेट विल डू? क्या मजिस्ट्रेट? हाँ बोलिए। हाँ सर, यहाँ पर ऐसा होता है ना कि 190 के ए में अगर वो कंप्लेंट अगर लेता तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो 156 के 3 में इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर देगा, या फिर 200 के अंदर वो खुद ही मतलब उसको एग्जामिन करेगा जो जिसने कंप्लेंट कर दी। कौन सी बात है, आप कह रहे हैं 156 के 3 के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो गई है, उसने ऑर्डर दिया था, या एक कंप्लेंट से हुआ है? अल्टीमेटली जब ये 156 के 3 में जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लाते हैं तो ये पुलिस रिपोर्ट की तरीके से ट्रीट होगी ना? यस सर। तो ये तो एक अलग वाला हो गया फिर तो, 19 का बी भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सीधा कंप्लेंट, आपने 200 के अंदर कंप्लेंट फाइल करी अंडर सेक्शन 200, देन मजिस्ट्रेट, अभी हम पढ़ेंगे भी 200 के अंदर क्या होता है, फिर वो रिकॉर्ड कर सकता है क्या चीज, विटनेसेस। पहले तो कंप्लेंट को, कंप्लेनेंट जो है जो कंप्लेंट लेके आया है उसको एग्जामिन करेंगे। यस सर। और क्या कर सकते हैं अगर विटनेस है तो? यस सर, दोनों को विटनेस को भी एग्जामिन कर लेंगे, भाई बताओ तुमने क्या देखा। ठीक है, ये करेगा कॉग्निजेंस लेते वक्त। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेंगे इसी में कॉग्निजेंस का, अगर सपोज कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है, अगर वो रिफ्यूज कर रहा है, तो दैट हैज टू बी स्पीकिंग ऑर्डर, दैट हैज टू बी स्पीकिंग ऑर्डर। ये क्या होता है स्पीकिंग ऑर्डर, क्या होता है? रीजंस देगा कि व्हाई कोर्ट इज नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस। He will give a reason behind it, why he is not taking a cognizance, क्यों नहीं ले रहा है। तो thus means refusal to take cognizance of an offence should be accompanied by reason के साथ होना चाहिए। और ये वाली बात एक किसी केस में भी कही है, एक केस का नाम आप लिख लीजिए चाहे, अगर कोर्ट मना करता है कि भाई नहीं हम संज्ञान नहीं ले रहे हैं, हस्तिमल वर्सेस स्टेट, और ये कब का केस है, बहुत पुराना है, 1994 का है, और ये राजस्थान का केस है। ठीक है, 1994 राजस्थान, अगर वो कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है देन ही हैज टू गिव अ रीजन बिहाइंड इट। और ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉग्निजेंस जब भी लिया जाता है दैट इज ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस का लिया जाता है ना कि एक्यूज्ड का लिया जाता है। ठीक है, एक्यूज का नहीं लिया जाता है, कॉग्निजेंस हमेशा ऑफेंस का लिया जाता है कि हाँ ये घटना घटी, ठीक है आपने इन्वेस्टिगेशन करके ये बात आई है और कंप्लेंट पे आई है, तो कंप्लेंट को एग्जामिन करने के बाद, विटनेस को सुनने के बाद, देन द कोर्ट कैन प्रोसीड फर्दर फॉर इशूइंग ऑफ द प्रोसेस अंडर सेक्शन 204। ठीक है, उससे पहले फिर हम आज इश्यू प्रोसेस तक अगर हम पहुंच जाएंगे तो पहले 200 पढ़ लेंगे, 201 पढ़ेंगे, 202, देन ओनली वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स दी 204। एक नया चैप्टर है कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग, अब बड़ा सिंपल सा हो जाता है, अगर आपका बेस आधार क्लियर है ना तो हाँ बहुत इजीली हो जाएगा ये, और हर बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। आप इतना लिख लीजिए, आगे चलते हैं फिर। दो एक, एक तो केस और लिखेंगे क्योंकि कॉग्निजेंस पे मींस का क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिख लिया तो आगे चलें, लिख लो। लेट मी जस्ट चेक How many students are there? काफी लोग बिजी है आज लग रहा है। हाँ जी, हर्षना, पूर्णिमा लिखा, सीमा जी, यामिनी जी, चलो आगे चलते हैं। कुछ केसेस हैं, देखो केसेस से अपने आप पे बर्डन मत डालना, अगर ज्यादा केस हो रहे हैं तो यू कैन फिल्टर बाय योर ओन। कभी आप सोचो नहीं सारे केस याद ही करने हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए पेपर में, कॉन्सेप्ट अगर आप लिखोगे तो उसके नंबर ज्यादा है। ऑफ कोर्स ही बात है, केस लिखते हो कॉन्सेप्ट के साथ तो सोने पे सुहागा है, बट अगर केस नहीं लिख रहे इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, एक केस और लिख लेते हैं। केस का नाम है मोतीलाल सोंगारा, SONGARA, सोंगारा वर्सेस प्रेम प्रकाश, वर्सेस प्रेम
प्रकाश, और इसका दूसरा नाम है पप्पू। 2013 का केस है। अब एक पुलिस रिपोर्ट भी तो है। पुलिस रिपोर्ट पे अगर मजिस्ट्रेट एंटाइटल है कॉग्निजेंस लेने के लिए, एंटाइटल टू तो टेक कॉग्निजेंस। एक बात आप मुझे बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस है, इसलिए स्टार लगा रहा हूं मैं। पुलिस रिपोर्ट पे भी मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर पुलिस रिपोर्ट में ये बात निकल के आई, पुलिस रिपोर्ट कहती है कि नो केस इज मेड आउट अगेंस्ट एक्यूज्ड। अगर पुलिस रिपोर्ट में ये बात निकल के आती है भाई, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जमा करी जिसमें लगा पुलिस ने ऐसी रिपोर्ट दे दी कि एक्यूज ने कोई क्राइम नहीं किया है, ना व्हाट मजिस्ट्रेट कैन डू इन दैट सिचुएशन? से इंक्वायरी करा सकता है ना। अब ये क्या क्या कर सकता है, देखिए इसी केस में बात की, मजिस्ट्रेट कैन टेक इनटू अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। स्टेटमेंट देख सकता है, दिखाइए विटनेस ने क्या कहा था। एक तरीके की इंक्वायरी ही कर रहा है, ये पूछताछ कर रहा है ना। पुलिस तो हर बंदे को क्लोजर रिपोर्ट दे देगी पैसा खा के, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एंड देयरफॉर द कोर्ट भी तो विजिलेंट रहना है ना। ऐसा तो नहीं कि हर मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी और उसको आंख बंद करके कोर्ट कह दे हाँ जी क्लोजर रिपोर्ट बिल्कुल केस बंद। नाउ द मजिस्ट्रेट कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस देख लेगा कि ड्यूरिंग दी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने क्या क्या जांच पड़ताल करी है। विटनेस ने अपनी बात तो रखी होगी, और अगर लगता है देन इवन इनके देखने के बाद अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट तब भी क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है इवन आफ्टर द क्लोजर ऑफ क्लोजर रिपोर्ट जो दे रहे हैं उसके बाद भी कॉग्निजेंस ले सकता है। और इनफैक्ट इश्यू ऑफ प्रोसेस भी इश्यू कर सकता है। इश्यू ऑफ प्रोसेस 204, ठीक है। इसका मतलब क्या निकल के आया कंक्लूजन, के पुलिस रिपोर्ट को चाहे तो मजिस्ट्रेट जो है वो इग्नोर कर सकता है। भाई आपने तो सही से बनाया नहीं, लेट मी जस्ट फाइंड आउट। इग्नोर द कंक्लूजन अराइव्ड एट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आईओ ने जो कंक्लूजन दिया है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकता है, और अपना मजिस्ट्रेट जो है अपना इंडिपेंडेंटली माइंड अप्लाई करेगा, यार ये तो लग ऐसा रहा है कि इस पे तो आगे चलना चाहिए था, हमें पूरा ट्रायल चलना चाहिए था, पुलिस ने तो क्लोजर रिपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये इश्यू प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? इश्यू प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो फिर वो ऑफ कोर्स ही बात है, फिर वो पूरा एक, अब ये ट्रायल अगर मजिस्ट्रेट के पास चलेगा तो फिर वो ट्रायल का प्रोसेस हो जाएगा। अगर कोर्ट ऑफ सेशन वाला है तो कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो इश्यू प्रोसेस यानी समन भेज दिए जाएंगे, मजिस्ट्रेट उसको आना पड़ेगा, तो पूरा प्रोसिक्यूशन विटनेस देन प्ली ऑफ गिल्टी हो सकता है, उसके बाद फिर वो डिफेंस के विटनेस, फिर वो पूरा ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स द कंक्लूजन इज दैट पुलिस रिपोर्ट पे अगर वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है किसी भी तरीके का ऑफेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, तो वहां पे भी मजिस्ट्रेट चाहे तो कॉग्निजेंस लेकर फर्दर प्रोसीडिंग के लिए इनिशिएट कर सकता है। दैट मीन्स द मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड द रिपोर्ट सबमिट बाय द पुलिस ऑफिसर। इज दैट क्लियर? यस सर। अब एक केस और लिख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है। पुरुषोत्तम जेठानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कच्छ। पुरुषोत्तम जेठानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कच्छ। स्टेट ऑफ कच्छ कौन सी है ये? कच्छ कहां गुजरात पर, गुजरात किस चीज से फेमस हुआ था ये कच्छ?
भूकंप नहीं आया था कच्छ में? अच्छा, रन ऑफ कच्छ तो सुना ही होगा। यस सर। अमिताभ बच्चन जी एम्बेसडर भी हैं, आओ पधारो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो, एक बार जरूर आना ऐसे कच्छ में ना। व्हाइट कलर का वो है ना वहाँ पे, व्हाइट सॉल्ट महोत्सव भी होता है, कच्छ महोत्सव 1954 का केस है। अच्छा ओके, अब आप यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अगर मजिस्ट्रेट जो है, इफ मजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 191A, अगर मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए, ठीक है, और अगर वो किसी तरीके से गुड फेथ में काम करता है, इफ इट इज डूइंग एनीथिंग इन अ गुड फेथ, और उसके चलते वो कॉग्निजेंस ले लेता है, क्या वो जो प्रोसीडिंग है, वेदर दिस प्रोसीडिंग सेट असाइड हो जाएगी क्या, क्या उसको खारिज कर दिया जाएगा? आंसर वुड बी नो, शैल नॉट, गुड फेथ लिखा हुआ है ना इतना बड़ा बड़ा, शैल नॉट बी सेट असाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज नॉट बीइंग सो एम्पावर्ड। मतलब जरूरी नहीं है, देखो यहां पर प्रोसीडिंग जो है वो क्या सेट असाइड नहीं होगी अगर उसने बोनाफाइड मैनर में कॉग्निजेंस ले लिया है तो। बट अगर सपोज कीजिए इफ अ मजिस्ट्रेट हु इज नॉट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, अगर मजिस्ट्रेट, देखो एक चीज बहुत ध्यान से सुनना इस केस को, 1990 के वन के ए ए में क्या लिखा है, ए में क्या लिखा है यहाँ पे कंप्लेंट? हाँ जी सही है, सुनो, यस सर। और मैं बी भी डाल देता हूँ इसमें, बी में क्या लिखा है, पुलिस पुलिस रिपोर्ट। रिपोर्ट। ये हो गया केस खत्म। लेकिन इसी केस में आगे एक बहुत बढ़िया बात की गई है, गुड फेथ में लिया हुआ काम गलत होता है क्या? डिफेंस तो हमेशा मिलता है गुड फेथ में किया हुआ काम, बट अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है, बट इफ द मजिस्ट्रेट हु इज नॉट एम्पावर्ड, जो एम्पावर्ड नहीं था, ध्यान से सुनना जरा इस बात को, यहां पे भी एम्पावर्ड नहीं है और यहां पे भी वो नॉट एम्पावर्ड नहीं लिखा है, यहां पे भी लिख देते नॉट एम्पावर्ड, नॉट एम्पावर्ड यहां पे भी है यहां पे भी है, ये कौन से केसेस हैं? वन हम तो एक कंप्लेंट की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं 173 पुलिस रिपोर्ट की, ठीक है, और अब बात कर रहा हूं मैं मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बट इवन दो ही हैज टेकन अ कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1C, व्हाट इट सेज, सी में कितनी बातें हैं, ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय पर्सन अदर देन पुलिस और सो मोटो। इंफॉर्मेशन अदर देन पुलिस, पुलिस के अलावा और क्या लिखा है, सू मोटो लिख दूं मैं शॉर्ट में। अब इसका इसका रिजल्ट क्या रहेगा, नाउ यू गाइस प्लीज टेल मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसका आंसर दे पाएगा ना आई वुड रियली अप्रिशिएट। It would initiate the proceedings. ये section 460 और 461 में ऐसे लिखा भी है। अब एक काम करते हैं, बाकी वो लोग से भी पूछने दो, क्या नाम है, हर्षना सीमा, इसका मेरे को कंक्लूजन चाहिए, व्हाट यू विल डू इन दैट सीन, इसका फोकस मेरा किस चीज पे है, मेरा फोकस सिर्फ इस बात पे है, ध्यान देना इस बात पे मेरा फोकस है, ही इज नॉट एम्पावर्ड, इधर दोनों जगह एम्पावर्ड है, इधर नहीं भी एम्पावर्ड है तो भी चल जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस, तो वॉइड हो जाएगा ना। क्यों, कहां लिखा है, कुछ है ऐसी बातें? तो वहां पे वो अपनी खुद की नॉलेज वो मोटो ले रहा है तो। सू मोटो ले रहा है, एम्पावर्ड नहीं है और तब भी केस को सुन रहा है, तो ये तो वॉयलेशन हो रहा है ना बेसिक रूल्स का, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज वॉयलेटिंग, इफ इट इज डूइंग इवन आफ्टर इतनी बात जानने के बाद भी वो कर रहा है, तो पूरा का पूरा जो प्रोसीडिंग होगा वो क्या होगा, विशिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशिएट, और विशिएट होता तो उसका कोई औचित्य नहीं है, वॉइड, अल्टीमेटली वॉइड, और वॉइड है तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे, विशिएट हम कहाँ पढ़ते हैं,
461 दो सेक्शन है ना, 460 और 461. 460 में क्या लिखा है? डू नॉट विशिएट. और यहाँ क्या लिखता है? विशिएट हो जाते हैं. कौन कौन से केसेस में विशिएट हो जाता है? देखो, इंसान गलती तो करता है, मैं भी गलती करता हूँ, आप भी करते हैं, और ऐसा हो सकता है कि मजिस्ट्रेट साहब से भी गलती हो जाए या इग्नोरेंस हो जाए कुछ चीजें. तो 460 में ऐसी प्रोसीडिंग है जहां पे कुछ गलती होगी तो भी मामला चल जाएगा, ठीक है. बट 461 क्या है? इरेगुलरिटी विच विशिएट द ट्रायल, पूरा केस खराब कर देगी वो, शुरू से होगा फिर मामला. अब इसको ध्यान से पढ़ना, यही बात ध्यान से देखना, अब कभी भी पेपर में आ जाए भूलोगे नहीं, क्योंकि पूरा केस ही करा दिया इस पे. इसके लिए हमें देखना पड़ेगा 461 का के. एक बार आप जरूर देख लीजिए, बब क्या लिखा है वहां पे, पढ़िए जरा, ओपन योर बेरेट. Take cognizance of an offence under clause C of subsection 1 of 190. ठीक है, साफ साफ लिखा है cognizance ले लेता है वो इस मामले में. अरे क्या होगा इसका रिजल्ट, क्या निकलेगा? Irregularity which vitiate proceeding. I hope अब आप समझ में आ गया होगा, और ये शायद मुझे नहीं लगता आप कभी भूलोगे. आप पूर्णिमा समझ में आ रही है बातें? Yes, sir, आ गई. बेरेट है आपके पास? Yes, sir. बेरेट में निकाला पेज नंबर 248, आई गेस. Yes, sir, के पॉइंट. के पॉइंट दिखाई दे रहा है कि कैसे इतना घुमा फिराती है चीज. वकील या जज ऐसी नहीं बन जाते, अच्छा वकील बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. Yes, is that clear? Yes, sir. Okay. दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे पहले वाले केस में और सेकंड वाले में. हाँ जी सर, पहले वाले में और सेकंड वाले में थोड़ा सा दोबारा से एक बार डिफरेंशिएट बताना कि पहले में क्यों विशिएट नहीं हो रहे हैं वहां पे. पहले में इसलिए विशिएट नहीं, देखो इसका यहाँ पे लॉजिक है. अब वो लॉजिक है ये, नो वन कैन बी ए जज इज नॉन कॉज. इसी ने एक्शन लिया, यही सुन रहा है जबकि एम्पावर्ड नहीं है. वहां पे तो पुलिस रिपोर्ट से आ रहा है, कंप्लेंट से आ रहा है, एम्पावर्ड है ना, भी एम्पावर्ड हो गुड फेथ में कर रहा है. नहीं तो यहाँ पे तो मैलिशियस प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, द्वेष भावना के फॉर्म में. कंप्लेनेंट भी मैं ही हूँ, ऑन प्रोसीडिंग होगी ना सू मोटो, और सुन भी मैं रहा हूँ जबकि मैं एम्पावर्ड नहीं, इसलिए विशिएट हो जाएगा. देखो जो भी लॉ बना है ना, लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट? एक तो लॉजिक है और कुछ बेसिक प्रिंसिपल भी तो है. बेसिक प्रिंसिपल जो है नेचुरल जस्टिस के ही है. आपको एक केस याद है, शॉर्ट में मैं बताता हूँ, एक होम्बे गवर्नर नहीं सॉरी ए के करियप्पा का केस याद है? Yes, sir. पैनल वाला, इंटरव्यू पैनल वाला. कितना बेस्ट एग्जांपल है वो, ठीक है. इंटरव्यू में खुद ही बैठ जाता है, खुद ही फॉरेस्ट के लिए उसका जो रिक्रूटमेंट होता है. तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं, केस लॉज हैं जिस पे पूरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बेस्ड है. सीआरपीसी भी तो नेचुरल जस्टिस की बात करता है, बिल्कुल करता है. हर जगह प्रोविजन जो है, नोटिस की बात नहीं की गई भाई, अक्यूज को नोटिस भी तो दिया जाता है. चलो मानो उसको कैसे पता लगेगा कि मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग है, समन भेजा जाता है, वॉरेंट भेजा जाएगा. तो दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स. क्या अरेस्टी के राइट नहीं है? क्या अरेस्टी के राइट की बात की गई है? तो कोई भी प्रोविजन आर्बिट्ररी इतना निरंकुश नहीं बन सकता. ओके चलो, ये हमने केस लॉस कर ली है डीलिंग विद द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस. नाउ विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 195 ऑनवर्ड्स. अब 195 ऑनवर्ड्स करेंगे, 199 तक करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, और आई होप आप लोग शायद पढ़ के आए हैं तो आसान होगा, नहीं तो डिफिकल्टी आएगी. ये हटा देता हूं मैं, ठीक है. ऑनेस्ट विद मी, कितने लोगों ने पढ़ा है 195 to 199? ये हमने पढ़ा है क्या? ये yes, पहले sir, पढ़ा हुआ है? नहीं सर, आज ही पढ़ा. अच्छा, और हर्षना पढ़ा है क्या? यस सर, पढ़ा तो है. सीमा जी, पूर्णिमा, पूर्णिमा आप बताइए. चलो वो लोग तो पढ़ते ही हैं, आप बताइए, आपने पढ़ा ही है प्रोविजन? सर नहीं, मैंने नो सर. बेटा पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होगा ना काम, तो फिर फायदा नहीं
याद भी नहीं रहेगा क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। 195 ठीक है, 195। ओके 195 को देखो बेसिकली क्या है, इसकी एक एक लाइन को अगर हम पढ़ेंगे तो टाइम तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। 195 की एक एक लाइन को अगर हम पढ़ेंगे, मैं इसका लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा सारा पढ़ूं, लेकिन पूरा आपको एक भी चीज छूटेगी नहीं इसमें, क्योंकि ये बहुत बैरेट से ही पढ़ने वाले प्रोविजन है। दैट्स व्हाई आई आस्क यू टू गो थ्रू विद इट। फिर भी चलो करते हैं। प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट, इसको समझने से पहले आज समझ लेते हैं। देखो ये 195 से लेकर 199 तक क्या बात करता है कि कोई जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगी, कॉग्निजेंस नहीं लेगी, लेकिन लेगी कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है, अब जैसे हम बात करें कंडीशन क्या है, कई बार हम देखेंगे रिटर्न में कंप्लेंट होनी चाहिए, कई जगह हम देखेंगे जो हमारे जैसे कुछ ऐसे ऑफेंसेस होंगे, अगर जज है या पब्लिक सर्वेंट है इनके खिलाफ अगर हमने केस करना है तो कैसे वो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। ठीक है, अगर हाई डिग्निटरीज हैं तो उनके खिलाफ अगर किस तरीके से कॉग्निजेंस कोर्ट लेगी, तो कई बार ऐसा हो सकता है रिटर्न कंप्लेंट जरूरी होगी, सेंक्शन जरूरी होनी चाहिए, सेंक्शन मतलब परमिशन होनी चाहिए। परमिशन किस किस की हम देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, कई जगह डीएम की परमिशन भी है, तभी हम उनके खिलाफ मुकदमा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की प्रोविजन है। अगर सपोज कीजिए मैरिटल ऑफेंस है, मैरिज से संबंधित, तब कैसे कॉग्निजेंस लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का बनता है, मेंस का तो नहीं आता है, बट डेफिनेटली प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। विल डू इट। डिफेमेशन के मामले में कैसे कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो दीज आर ऑल दिस प्रोविजंस, विल हैव टू डू इट थॉरली। पहला है 195 सेक्शन जो डील करता है प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, यानी कोई लॉफुल अथॉरिटी के मैं पब्लिक सर्वेंट ने, अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर दिया आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन ऑफ कोर्स ही बात है, ये हम आईपीसी से ही लेंगे। सेक्शन कौन सा है, 21। पब्लिक सर्वेंट का आपने, पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर दिया या कोई डायरेक्शन देता है आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, दैट मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। बात समझ में आई इतनी सी। तो यहां पर एक तो पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर की बात करते हैं, फॉर अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, एंड फॉर द ऑफेंस रिलेटिंग टू व्हाट, बोलिए, डॉक्यूमेंट। आप लोगों ने क्या इसको इस एंगल से पढ़ा था कि इसमें डॉक्यूमेंट भी है और पब्लिक सर्वेंट की जो ऑर्डर है वो पब्लिक जस्टिस को प्रभावित करता है। देखो बेरेट को ही ओपन करके पढ़ना, अच्छे से उसको जितना ब्रेक करके पढ़ोगे यू विल गेट एन आइडिया। तो यहाँ पर दो चीजों की बात की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी बाय द पब्लिक सर्वेंट, आई मीन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, ऑफ लिख देता हूँ मैं, नॉट बाय, बाय होगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट फॉर, जब उसने ऑफेंस किया ऐसा जो पब्लिक जस्टिस को प्रभावित करता है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड देखिए, अब इसको हम इसको डिवाइड करते हैं, एक तो ए पार्ट है इसका, यहाँ क्या लिखा है, नो कोर्ट शैल, ठीक है, कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। ए में क्या लिखा है, ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर 172 से 188। अगर कोई ऑफेंस 172 से लेकर 188 तक है, कोई मुझे बताएगा कि क्या प्रोविजंस है। हाँ जी यामिनी, आईपीसी में आई है, कौन से ऑफेंसेस हैं, 172 से लेके छह महीने तक की सजा, आई गेस
कितनी सजा है 188 में? तो याद नहीं है, शायद 6 महीने है। देख लेते हैं ना एक बार क्या फर्क पड़ता है। बैरक तो हो गई आपके पास। अगर आपके पास सीआरपीसी पढ़ते हुए आईपीसी का बैरक नहीं है तो इट्स अ वेरी बिग ब्लंडर। मेरा भी बैरक नजर नहीं आ रहा मुझे। चलो कोई बात नहीं, पर चेक करो, वो सेक्शन भी याद हो जाएगा, आने वाले पेपर में पूछा जाएगा। इतनी बड़ी घटना घटी है तो पूछेंगे ना वो क्वेश्चन। 188 का बोल रहे हैं आप? 188 तो 1 month का imprisonment है और 200 रुपए का। Second time में क्या? 86 month। हाँ yes sir, imprisonment हाँ second tip का 300 रुपए और jail तो पहले में तो लिखा है 200 रुपए का फिर order लो। 500 रुपए fine होगा I guess। अरे फिर इसमें barracks। Okay now I got it। बताइए जल्दी से कितना है 188 में? सर 200 रुपए या फिर 1000 रुपए है? सर ऐसा है कि अगर ऐसा होता है तो 1 month और 200 है, लेकिन अगर उससे किसी को डेंजर या किसी भी ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो रहा है तब वो 6 months है। चलो लिख ही लेते हैं यहाँ पर 1 महीना। याद रहेगा, ये पेपर में आ सकता है क्योंकि ये हुआ है रिसेंटली और इसका यूज बहुत हुआ है, शायद आप लोगों को भी पता होगा। 1 महीना 200 रुपए, 6 महीना 1000 रुपए, ठीक है। बाकी अंदर से आप पढ़ लेना, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके तो 172 से लेकर 188 तक जो प्रोविजन है वो क्या है, वो डील करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एब्सकॉन्ड इंसान भाग गया, भगोड़ा है, हो गया है, अवॉइडिंग समन को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे इसमें प्रोविजन है। पुलिस पब्लिक सर्वेंट ने बुलाया नहीं आता है, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है पुलिस को या पब्लिक सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट वर्ड यूज हुआ है, और उससे अगर कोई पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मना कर रहा है। 179 अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सो ऑन, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट को अपने काम करने से, पब्लिक फंक्शन फुलफिल करने से रोकता है। 186 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के अगर ऑफेंस किसी ने करे हैं या इनका, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ना, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इसी का मैं यहां लिख देता हूं। इसका सेकंड पॉइंट कहता है और इन्हीं का ही वो अबेट करता है, इन्हीं ऑफेंस को अबेट करता है या अटेम्प्ट टू कमिट करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसी का, इन्हीं ऑफेंसेस का, मतलब यही वाले ऑफेंसेस जो है, इन्हीं ऑफेंसेस का वो क्या कर रहा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। इन मामलों में क्या जरूरत होगी उस इंसान पे, कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगा? अगर किसी इंसान ने, सपोज करो ए ने कुछ ऐसा ऑफेंस किया है, इनमें से कोई 172 से लेके 188 तक, इस इंसान के खिलाफ कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगा, अब मुझे बताइए। सर ऑन कंप्लेन इन राइटिंग बाय द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न और बाय द पब्लिक सर्वेंट टू हूम दैट पब्लिक सर्वेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट। अब यहां से आपका क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लेंट देनी पड़ेगी। कौन देगा कंप्लेंट? इन राइटिंग में होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। यही सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आप मिस कर जाते हैं कई बार। राइटिंग में कौन देगा? पब्लिक सर्वेंट देगा कंसर्न। और अगर ये नहीं दे पा रहा है तो कौन देगा? नहीं देता है तो सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू हुम इज एडमिनिस्ट्रेटिव सबॉर्डिनेट, यानी इसका सुपीरियर दे सकता है ना, इसका जो सुपीरियर होगा। आप इसको वैसे लैंग्वेज वैसे ही पढ़ना, मैंने सुपीरियर समझाने के लिए लिखा है, ये जिसके सबॉर्डिनेशन में आता है, ठीक है। ये जो पब्लिक सर्वेंट है जिसके सबॉर्डिनेशन में आता है वो कंप्लेंट देगा। क्या कंप्लेंट है? मैंडेटरी। क्या बात है? मैंडेटरी है कंप्लेंट, सॉरी, मैंडेटरी इज द कंप्लेंट एंड दैट हैज टू बी रिटन बाय द पब्लिक सर्वेंट और बाय द सुपीरियर ऑफिसर। सुपीरियर को हम ऐसे लिख सकते हैं सबॉर्डिनेट, ठीक है, जिसके सबॉर्डिनेशन में ये आता है। इज दैट क्लियर? यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको बहुत बारीकियों से पढ़ा रहा हूँ आपको। अदरवाइज आई डोंट फाइंड कि आप लोगों ने इतना इसको डिटेल में चार्ट बना के पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आई डोंट नो। ओके आगे चलते हैं। अब बी की बात करते हैं।
इसका इस पर्टिकुलर 195 का टाइटल क्या है? एक बार मुझे टाइटल बता दीजिए जरा, बिगर देखे बताइए अब टाइटल, यामिनी अर्चना सीमा। सर किसका? इसी का 195 का। हाँ जी, बिगर देखे बताना 195 का टाइटल क्या है। सर प्रोसिक्यूशन ऑफ जी अटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अटेम्प्ट का लॉजिक क्या बन रहा है यहाँ पे? अटेम्प्ट है या कंटेम्प्ट है? कंटेम्प्ट। सॉरी, अटेम्प्ट का क्या मतलब बन रहा है? तो सेंस बना के आप लिखोगे तो पता लग जाएगा। अच्छा, क्या क्या चीजें कर रहा है वो? पब्लिक जस्टिस को अफेक्टिंग पब्लिक जस्टिस। दूसरी बात क्या है? रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अभी हमने ए जो पढ़ा वो किससे रिलेटेड था? ये तो जस्टिस कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी से था। कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है पब्लिक जस्टिस पे? प्रभाव पड़ रहा है ना, भाग गया, न्याय नहीं हो पाएगा, पकड़ना है गलत झूठे का, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज अल्टीमेटली अफेक्टिंग व्हाट? पब्लिक जस्टिस। सेकंड क्या है? अब बी जो है उसमें हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, यहां हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब पढ़िए इसको, देखते हैं। Of any offence punishable under any other law section of the Indian Evidence Act, namely 196 से लेके 193 तक का कुछ offence उसने किया है, इसमें क्या करता है वो? झूठी गवाही देता है ना, false evidence देता है ना, false evidence, झूठी गवाही देता है या fabrication करेगा। और 195 ही क्या है प्रोविजंस? 199 में क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। 200 में क्या है? फॉल्स डिक्लेरेशन। 205 में क्या है? पर्सोनेशन है। 211 में क्या लिखा है बताइए जल्दी से? फॉल्स चार्ज। क्या चीज है 211? फॉल्स चार्ज। ठीक है, फॉल्स चार्ज। इसको आप ऐसे ही लिख के पढ़ना, ये मत करना कि अब बेयर एक्ट में मैं सेक्शन याद कर लूँ। सेक्शन याद करोगे भूल जाओगे, लॉजिक लगा के बार पढ़ लेना तो याद हो जाएंगे सारी चीजें। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, पर्सोनेशन और फॉल्स, एक जगह पर्सोनेशन आ रहा है बाकी फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पर्सोनेशन के आगे भी फॉल्स ही है। हाँ जी, पर्सोनेशन के आगे भी फॉल्स है। अच्छा, मैंने देखा नहीं, बस एक बार देख लेते हैं, उसमें भी फॉल्स है तो याद रह जाएगा अभी आपको। देखो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मेंस की तैयारी आसान होती है, प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हमें हर एक सेक्शन को गौर करना पड़ता है, अंदर तक जाना पड़ता है। हार्डली सीआरपीसी में 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो मेंस के बनते हैं, बट हाँ, लेकिन प्रीलिम्स के लिए 484 सेक्शन है, इसमें से कुछ सेक्शन को हटा दिया जाए तो आपको उसके अंदर डीप नॉलेज होनी चाहिए फॉर द प्रीलिम्स। हाउएवर क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं आता है, बहुत ज्यादा अंदर से नहीं आता है, बट आपको कम से कम 2 बार तो बहुत डिटेल में जाके सीआरपीसी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके, सो इट काफी टाइम ले रहा है, वैसे इसको हम जल्दी से रैप अप करेंगे। अलेज टू हैव बीन कमिटेड इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस ऑफ द प्रोसीडिंग इन द कोर्ट, यानी इसने क्या किया है? झूठी गवाही दी हो, ये सारे ऑफेंस किया गया हो, कहां पे? प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। इट इज अफेक्टिंग पब्लिक जस्टिस, न्याय नहीं मिलेगा, ये भी तो हो रहा है ना इसके साथ, पब्लिक जस्टिस पे प्रभावित पड़ रहा है। प्रोसीडिंग इन द कोर्ट के अंदर इसने ये चीज की हो, झूठी गवाही दी हो, फॉल्स स्टेटमेंट, डिक्लरेशन। आपको देखो एक बात बताऊं, डीजीएस में क्वेश्चन आया था फॉल्स क्लेम 209 पे, कैन यू इमेजिन? आज तक नहीं पूछा, डीजीएस में पूछ लिया गया था। ओके, सेकंड में क्या लिखा है? ऑफ ऑफेंस डिस्क्राइबिंग 463 किससे रिलेटेड है? फॉर्जरी। 471, 475, 476 ये सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, 475, 476 इनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस करता है। और इनका थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? इन्हीं ऑफेंस का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है। और अटेम्प्ट करता है या, अब इस मामले में क्या होगा, इन मामलों में भी क्या चाहिए होगी अल्टीमेटली? कंप्लेंट इन राइटिंग, कंप्लेंट इन
राइटिंग में चाहिए होगा, लिखित में. कंप्लेंट इन राइटिंग. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मुझे यहां बताइए, अगर कोई इंसान झूठी गवाही देता है कोर्ट में आके, उसके खिलाफ प्रोसीजर क्या है, कॉग्निजेंस कोर्ट कैसे लेगी और क्या उसका तरीका है? तो वो 340 में उसका प्रोसीजर दिया है ना. हाँ जी, सीआरपीसी का 340. ये बता दीजिए मुझे जो नीचे लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू का बनता है. याद होगा जब हम डिस्कस कर रहे थे, कोई इंसान झूठी गवाही दे रहा है तो उसको उसी केस में, जिस केस में वो झूठी गवाही दे रहा है उसी में उसका ट्रायल साथ कर देंगे, अलग चलेगा उसका ट्रायल? सेपरेटली. सो सेपरेट न्यू ट्रायल. बिल्कुल सेपरेट चलेगा, नहीं तो पता चला हम ट्रैक से बाहर चले जाएंगे ना. तो लेकिन अब इसके लिए प्रोसीडिंग क्या होगी? कोर्ट कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगा, लेकिन कब लेगा कोर्ट कॉग्निजेंस? कंडीशन है कंप्लेंट होनी चाहिए राइटिंग में. कौन कौन कर सकता है कंप्लेंट, ये इंपॉर्टेंट है. हाँ जी बताइए, यहाँ कौन कौन करेगा? बाय द कोर्ट. बाय द सेम कोर्ट, वही कोर्ट कर देगा नहीं करेगा? यस. ओके, सेकंड क्या है? बाय सच ऑफिसर. कोई ऑफिसर. अब ये कौन सा ऑफिसर है? एज द कोर्ट में ऑथराइज. क्या पता किसी ऑफिसर को इसी कोर्ट ने ऑथराइज कर दिया, भैया मैं तो बिजी रहता, हमारी तो कोर्ट चल रही, आप जाके कंप्लेंट कीजिए इस इंसान की. और सम अदर कोर्ट टू विच द कोर्ट इज सबॉर्डिनेट, यानी सुपीरियर हो गया ना, सुपीरियर कोर्ट. इस कोर्ट के ऊपर जो है, या ये कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं, ये कोर्ट जिस कोर्ट के सबॉर्डिनेशन में आती है. अब मुझे आप बताइए, आप लोगों ने बैरक पढ़ लिया था, मैंने आपसे कहा था, क्या आपने इसको ऐसे क्लासिफाई करके पढ़ा था? टू बी ऑनेस्ट विद यू, यस सर. सबने पढ़ा था? यस सर. मैंने तो साइड में लिख भी दिया है, थ्री एंटिटीज, मतलब कि तीन लोग कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू, यहाँ से क्वेश्चन आता है. नहीं आता क्या? आपने एमसीक्यू करे होंगे तो यहाँ से एमसीक्यू देखा है कभी? सर आते हैं क्वेश्चंस. तो देखो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन ने पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ लेते हैं. और एक चीज और है, जब हम मेंस लिखते हैं तो मेंस में तो हमारे दिमाग की बात है ना, हम क्या लिख रहे हैं, हमें नहीं पता. जो नहीं पता मैं नहीं लिखूंगा अपने आंसर में, व्हाई वुड आई राइट. मैं और तरीके से घुमा के बात कह दूंगा ना. इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ मेंस दैट आई शुड नो ऑल द लॉज, बट क्योंकि जो हमारा प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स तो एलिमिनेशन राउंड है ना, एलिमिनेट करना हमें और लोगों से आगे बढ़ना है. ये दूसरे लोग मेहनत अच्छी कर रहे हैं, मेरे को उससे और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, एलिमिनेट करना पड़ेगा. बट मेंस इज फॉर द सिलेक्शन, मेंस इज फॉर द सिलेक्शन, प्री फॉर एलिमिनेशन. और इसीलिए प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते ही नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं जुड़ते. हाँ लेकिन प्रीलिम्स के मार्क्स आपके हायर जुडिशरी में जुड़ते थे, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की जो हायर है वहां पे जुड़ते थे प्रीलिम्स के मार्क्स, लेकिन अब नहीं जुड़ते और जुड़ने भी नहीं चाहिए. किसी बच्चे ने यहाँ पे रट्टा मार रखा है, पूरा बैरेट रटा हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रट्टा मार रखा है, तो वो कहाँ से उसको फायदा मिलता था? ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ इसका जो टू है वो भी देख लेते हैं, 195 का टू. इसमें बात कीजिए विड्रॉवल की. अब थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा लूंगा इसको. विड्रॉवल यानी अगर किसी ने, अब जो यहां पर हमने क्या कहते हैं, वेयर अ कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई कंप्लेंट की थी अंडर सबसेक्शन ए ऑफ सबसेक्शन 1, एन अथॉरिटी टू विच इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट में. अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई इसका ये जो ऑफिसर है, आई मीन जो ऊपर वाले केस में पब्लिक सर्वेंट वाला जो हमने पढ़ा था अभी, कौन सा सेक्शन है ये, सब क्लॉज ए ऑफ 1, सबसेक्शन 1. अगर इसका कोई ऑफिसर है वो उसे कहता भैया कंप्लेंट हटा लीजिए, तो कंप्लेंट विड्रॉ कर ली जाएगी और नो फर्दर प्रोसीडिंग, नो फर्दर प्रोसीडिंग, कोई और प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेगी. ठीक है, इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यस सर. प्रोवाइडेड दैट नो सच विड्रॉवल शैल बी ऑर्डर इफ द ट्रायल. लेकिन यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू का बनता है एक. अब विड्रॉ नहीं होगा कौन सी कंडीशन पे? नो विड्रॉवल.
अगर ट्रायल स्टार्ट हो चुका है तो। शैल बी ऑर्डर्ड इफ द ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट हैज बीन कंक्लूडेड है। ठीक है सर, ये आपने क्या लिखा है सर? क्लॉज ए का वन एस, ये इसमें लिखा है पैरेट में ही आपके जो टू देखेंगे ना 195 का टू में, यानी ऊपर वाली बात कर रहा है, ये वाली नहीं है, इससे ऊपर वाली, ये जो ऊपर है ना, ये वाली बात में, अगर यहाँ पे कंप्लेंट किसके, उसके सुपीरियर ने अगर कम विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगा दी है, देन इट वुड बी विड्रॉन, केस हट जाएगा, फर्दर प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, लेकिन अगर ट्रायल कंक्लूड हो गया है तो विड्रॉ नहीं होगा। ओके, थर्ड पॉइंट कर लेते हैं यहीं पे ही। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कई ऐसे पेपर हैं जहां पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ पे पूछा गया है, कोई बता सकता है इस ये 195 के 3 में कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू? एपीओ एग्जाम में। हाँ जी, एपीओ तो वही पूछा गया होगा, मैं जुडिशरी में तो मैंने देखा नहीं है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये पेपर पे पूछा गया था। जेएलओ सुना, जेएलओ? अच्छा, राजस्थान का जो होता है, राजस्थान में जो होता है ना पेपर, जूनियर लॉ ऑफिसर, ऊटपटांग क्वेश्चन यही आ रहा था मेरे दिमाग में। हाँ, तो वहां पे ऊटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं, जहां पे होता क्या है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में 150 क्वेश्चन बनाने हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो कभी किसी ने पढ़े ही नहीं है, जो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन चलो आप लोग पढ़ लीजिए। इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 कोर्ट का मतलब क्या होगा? ये जो हमने ऊपर कोर्ट की बात करी है, ये वाली जो बात करी है, इसका मतलब क्या है? सिविल कोर्ट हो सकता है, रिवेन्यू कोर्ट हो सकता है, क्रिमिनल कोर्ट हो सकता है, अनइंक्लूड्स ट्राइब्यूनल भी हो सकता है, भाई इतनी सी बात है। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये इतना अजीब सा क्वेश्चन है, बच्चे इस पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ट्राइब्यूनल क्या कोर्ट होता है, नहीं होता है। ठीक है, रिवेन्यू कोर्ट का कोर्ट है, सिविल कोर्ट तो और क्रिमिनल तो आप जानते ही हैं, रिवेन्यू और ट्राइब्यूनल भी है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए है बस ये। ठीक है, और वहां पे लिखा हुआ है इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, सिर्फ इसी सेक्शन के लिए है ये। आगे चलिए, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ भी कोई इतना लॉजिकल तो है नहीं, ना ही इसका यूज है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से क्विकली। क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं, जहां से आते हैं मैंने आपको बता दिया है। लेकिन 195 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देयरफॉर आई एम टेकिंग इन टू मच डिटेल। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 का बी कौन सा है? कोर्ट वाली बात करता है। शैल बी डीम्ड टू बी सबॉर्डिनेट द कोर्ट ऑफ व्हिच अपील्स ऑर्डिनरी लाइज। सबॉर्डिनेशन की बात की है ना, किस कोर्ट के सबॉर्डिनेशन में होगा, तो सबॉर्डिनेशन में माना जाएगा जहां जनरली उस कोर्ट के अगेंस्ट अपील जाती है। ठीक है, वो उसी के सबॉर्डिनेशन में होगा। और इन केस ऑफ सिविल कोर्ट, अगर सिविल कोर्ट की बात करें, फॉर हूज डिक्री नो अपील, अगर सपोज करो नो अपील का प्रोविजन है, ऐसा भी तो हो सकता है। एक देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, जहां पे अपील जाएगी वो मेरा सीनियर कोर्ट हो जाएगा, मेरे से ऊपर का कोर्ट हो जाएगा, और जहां पर अगर अपील नहीं है, सिविल कोर्ट है, तो वो तो प्रिंसिपल कोर्ट, कौन सी कोर्ट है? प्रिंसिपल कोर्ट विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट इज प्रोवाइडेड दैट। अब ये बड़े सारे प्रोवाइडेड बना देते हैं, लेकिन इसका कोई यूज तो हुआ नहीं है ज्यादातर। दैट वेयर अपील लाइज टू द मोर देन वन कोर्ट, अब अपील ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा कोर्ट में जारी हो, पर द एपलेट कोर्ट ऑफ द इंफीरियर जुरिस्डिक्शन शैल बी द कोर्ट, एपलेट कोर्ट ऑफ द इंफीरियर जुरिस्डिक्शन शैल बी The court with the such court shall be deemed to be subordinate. तो appellate court तो भैया बहुत ऊपर तक जाती है अपील, सुप्रीम हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा इस मामले में, हाई कोर्ट ही होगा। ठीक है, where appeal lies to the civil and also to revenue court, such court shall be deemed to be the subordinate to the civil or revenue court according to nature of the case or proceeding in the connection with the offences alleged to have been committed. और रही बात सिविल और रिवेन्यू की, अक्सर जहां अपील जाती है वही उसका अबव कोर्ट होगा। यहां से क्वेश्चन आया भी नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट, इवन दो वी हैव डन इट, इफ यू वांट टू
अगर इसको आपको छोड़ना भी चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, बट 195 का जो वन हमने पढ़ा उसका ए और उसका बी वो मत छोड़ना। और इस पर्टिकुलरली इसके अंदर जो कंप्लेंट की बात की गई रिटर्न में, कौन देगा कौन नहीं देगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी 195 का वन एंड टू बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मत छोड़ना। विड्रॉल भी पढ़ लेना, अगेन माइंड में रखना। 3 and 4 दैट नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेट प्रोसीड टूवर्ड्स 195A। क्या कहता है, प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ अ थ्रेटनिंग एक्सेट्रा, कुछ नहीं है इसमें। अगर प्रोसीजर फॉर विटनेसेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग एक्सेट्रा, अ विटनेस और एनी अदर पर्सन मे फाइल कंप्लेंट, कौन कंप्लेंट कर सकता है, विटनेस या कोई और पर्सन, मे फाइल कंप्लेंट इन रिलेशन टू द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 195A। 195A के अंदर अगर किसी को थ्रेटनिंग्स आ रही हैं तो वो कंप्लेन कर सकता है उसी कोर्ट में। 195A क्या कहता है आईपीसी का, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, ठीक है, झूठी गवाही देने के लिए अगर उसको डराया धमकाया जा रहा है देन इट वुड बी कवर्ड। सर उसे देने के लिए बोल रहे हैं झूठी गवाही, ये कोई धमका रहा है ना उसको, threatening any person to give false evidence, कोई धमकी दे रहा है कि झूठी गवाही दे कोर्ट में आकर। इसकी बात की ये बात हम कोर्ट में बता देंगे ना, ओके कंप्लेंट, ओके बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। 196 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आ सकता है। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया स्टेट के खिलाफ एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एंड जब मैं लगाऊंगा तो प्लस लगा रहा हूं, फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तब कैसे इस इंसान के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन किया जाना है और कोर्ट कैसे कॉग्निजेंस लेगी, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। इसको आपने कितना डिटेल में पढ़ा है, कम ऑन टेल मी, ये सुनो कितना डिटेल में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है क्या, एक एक चीज को खोल के पढ़ा है। जैसे यहाँ 153A का रेफरेंस है, 153 का बी का भी रेफरेंस है, हैव यू डन इट सो, यस सर, इन डिटेल। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर नंबर, पहले मैं पढ़ रहा हूं ए, ठीक है, ए में क्या लिखा है, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर ये कौन सा है, 6, जल्दी से बता दीजिए, 8, हाँ जी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के खिलाफ कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर कवर, क्या क्या किया गया। अच्छा एक बात बताइए, 5 कौन सा चैप्टर है, अबेटमेंट, 5A कौन सा है, कॉन्स्पिरेसी, अब स्टार्ट कौन सा हो जाता है, 121 से स्टार्ट होगा, कब तक खत्म होगा, 130, हाँ जी यामिनी, याद करो ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, हाँ जी 130 है, ओके 130 के अलावा, 131 से तो नेवी आर्मी एयरफोर्स वाले स्टार्ट हो रहे ना, तो 121 से लेके 130 तक वाले ऑफेंसेस, यानी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट करता है कोई। 153A क्या है, एनिमिटी बिटवीन ग्रुप, दो गुटों के बीच में, कितने ग्राउंड दे रखे हैं यहाँ पे, कोई बता सकता है, 7 ग्राउंड्स है ना, चेक कर लेना आप। 295A क्या है, ये आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग, रिलीजियस फीलिंग को आउटरेज करता है। अच्छा एक बात बताइए, वर्बली करता है ओरल करता है, एक्ट के जरिए करता है, तो सर आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग 295A, अरे बैरेट देख लीजिए अगर भूल भी गए हो तो, जल्दी से देख लीजिए, लेकिन भूल जाते हैं टाइम के साथ, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड,
बट ये पता होना चाहिए ना कि हाँ यार वो कैसे करता है, आउटरीच कैसे करेगा फीलिंग को। 295 ए में क्या लिखा है देखो, 298 में करता है सिर्फ ओरली, 295 में आप पैम्पलेट भी छाप सकते हैं ना, रिटन और साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू सी दैट बाय वर्ड्स रिटन यही चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है, पेपर में यहीं पे कंफ्यूजन बनता है। और 505 क्या है? स्टेटमेंट कंड्यूसिंग पब्लिक मशीन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट ही कौन सा है ये 505? स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ कंड्यूसिंग पब्लिक मिसचीफ, ठीक है, पब्लिक मिसचीफ। एंड चलो ये हो गया सारा। एक तो ये ऑफेंसेस किसी ने किए हो या इनका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करा हो, बी हो गया, या इनका क्या किया हो, अबेटमेंट किया हो, उकसाया हो लोगों को भाई ऐसा करो, एज इट डिस्क्राइब 108A अबेटमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी, एबिटेड एक्ट मस्ट बी कमिटेड, कौन सा मैंने सेक्शन बोल दिया जल्दी से बता दीजिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अबेटेड एक्ट मस्ट बी कमिटेड, ये जरूरी नहीं होता है कि मैंने आपको उकसाया वो आप ऑफेंस करिए दे तभी मैं पनिशेबल होऊंगा, विच सेक्शन विच पर्टिकुलर है, एक सेक्शन की आई थिंक 107 इसी की एक्सप्लेनेशन है यामिनी, 108 की एक्सप्लेनेशन नंबर 2 एक बार चेक कर लीजिए जल्दी से, भूल रहे हो आप धीरे धीरे। यस सर राइट, ये तो चीजें ऐसी हैं, एक बार याद कर लो दिमाग में से कभी निकले ही ना। To constitute the offence of abetment, it is not necessary that the act of abetment should be committed, ठीक है? और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको मैं हटा रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेवेंस नहीं है ना इसका, मैंने सिर्फ ऐसे बोल दिया आपको याद कराने के लिए। तो इस तरीके की अगर ऑफेंस कोई करता है तब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एमसीक्यू बनता है, कैसे करेंगे उस इंसान के खिलाफ हम, कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगी, क्या रिक्वायरमेंट है, ध्यान से देखिएगा। सेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, प्रीवियस सेंशन किसकी चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए होगी या किसकी चाहिए होगी, स्टेट गवर्नमेंट की, इज दैट क्लियर, गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर, फिर भी अभी हमने इतना अच्छा साफ सुथरा लिख भी लिया है तब भी गड़बड़ हो जाएगी पेपर में, इतना टेंशन मत लेना, हो जाए तो हो जाती है, इसीलिए आपको 100 में से 100 नंबर नहीं लाने हैं, 100 में से आप 75% ला रहे हैं, मोर देन इनफ, अच्छा खासा आते हुए भी गलती हो जाएगी। अब वन ए कर लेते हैं, वन ए में क्या लिखा है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब एक बात बताना मुझे, बड़ी लॉजिकल है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, ए में क्या लिखा है, 153 का बी, वन और यहाँ पे लिखा है 505 का 2 और 3, ये 1-3 को यहाँ क्यों लिखा है, ये थे ना उन्हीं के बाद के प्रोविजंस या सेक्शंस हैं ये। हाँ जी, जैसे हमने ए में 153 किया था तो अब वन इसमें वन में है 153B। हाँ जी, चलो अब जल्दी से देख लेते हैं, इसमें प्रीवेंस सेंशन किसकी चाहिए होगी इनके खिलाफ क्राइम करने के लिए, तो यहाँ चाहिए होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ चाहिए होगी स्टेट गवर्नमेंट, या हमें किसकी चाहिए होगी, डीएम साहब, तो डीएम साहब अब एग्जिस्टेंस में आ गए यहाँ पे, जिला अधिकारी, ठीक है, यही डिफरेंस है और यहीं पे गड़बड़ी हम करेंगे। 153 वाले कौन से प्रोविजन है, नेशनल इंटीग्रेशन है ना, नेशनैलिटी वाले प्रोविजन है यहाँ पे, याद है या भूल गए हो? हाँ जी, शायद भूल गए हैं तभी आंसर नहीं आ रहा इतनी जल्दी। पूर्णिमा समझ में आ रही है बातें, इन मामलों में जो आपकी स्क्रीन पे हैं, इन मामलों में किसी इंसान के खिलाफ कोर्ट कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेगी जब तक सेंशन ना ले ली गई हो, ठीक है, अब सेंशन कौन देगा, ये अथॉरिटीज है, कौन से मामले है ये, आगे चलते हैं। 2 में क्या लिखा है, अब कॉन्स्पिरेसी की बात आ गई, ठीक है, अभी तक तो कॉन्स्पिरेसी नहीं होता पर्टिकुलर ऑफेंसेस से, नाउ 2 क्या कहता है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस
कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कौन से मामलों में? पनिशेबल अंडर सेक्शन 120 भी. 120 किसकी बारे में बात करता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपने देखा होगा उसकी पनिशमेंट क्या है. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसा हो सकता है डेथ के लिए हमने करी हो किसी ऑफेंस में जहां पे डेथ पनिशेबल है उसकी कॉन्स्पिरेसी. जैसे सपोज करो मर्डर करने की कॉन्स्पिरेसी, ऐसी कॉन्स्पिरेसी जिसमें उम्र कैद है या टर्म ऑफ टू इयर्स और मोर. हम ऐसे ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी भी तो कर सकते हैं. एक कॉन्स्पिरेसी होगी लेस देन 2 साल से कम वाले ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी. अब आप मुझे बताइए इन दोनों कंडीशन में, एक तो कंडीशन हो गई ये, एक कंडीशन हो गई ये, कौन सी कंडीशन में सेंशन चाहिए होगी, परमिशन चाहिए होगी? दो से नीचे वाले जो ऑफेंसेस होंगे, मतलब जिसमें इम्प्रिजनमेंट 2 साल से कम मिली होगी. ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना लेस देन, देखो मैं साफ साफ लिख रहा हूँ बिल्कुल ताकि आपको डाउट ना, अदरवाइज अनलेस वर्ड लिखा है ना. Unless the state government or DM consent in writing and initiation of the proceeding, यानी अगर हमने कोई conspiracy करी है जो इतनी बड़ी गंभीर अपराध नहीं है, 2 साल से कम वाली अपराध है, और आपको पता है इसमें punishment बता देंगे आप मुझे, 120 में punishment कितनी है? 6 months है, if I'm not wrong. हाँ जी, कितनी punishment है जल्दी से बताइए 120 के बी में. दो साल से ऊपर वाले ऑफेंसेस के लिए तो सेम जो ऑफेंस अगर केस इनिशिएट करना है किसी इंसान के खिलाफ देन यू हैव टू टेक अ प्रीवियस सेंशन और यू कैन कॉल इट अ प्रीवियस क्या नाम है परमिशन टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट. और कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेगी जब आपके पास स्टेट गवर्नमेंट से या आपके पास डीएम साहब से कंसेंट है राइटिंग में, वो भी लिखित में राइटिंग. ये सेंक्शन किस केसेस में सर, डेथ ये वाले में या सेकंड वाले में जो हमने लेस देन, इसमें छोटे मामलों में ना. अच्छा. छोटे मामलों में आप किसी को कॉन्स्पिरेसी में उसके खिलाफ केस करना चाह रहे हैं, कोर्ट कॉग्निजेंस लेना चाहता है तो स्टेट गवर्नमेंट से या डीएम साहब से परमिशन लेनी होगी. सर बड़े मामलों को सर, बड़े मामलों में डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है. किसी और की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होगी. नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बड़े मामलों में डीड सीधा अंदर कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगी. एक बात मुझे बताइए, देखो मैं लॉजिक बताता हूँ आपको यामनीस का, आगे मिल जाएगा लॉजिक. एक बात बताइए, एक पब्लिक सर्वेंट है, 197 हम पढ़ेंगे ना तब मिलेगा इसका आंसर. 197 में पब्लिक सर्वेंट और जज साहब है ना, जब ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, व्हेन दे आर डूइंग देयर ड्यूटी देन ओनली वी रिक्वायर्ड सैंक्शन. परमिशन तो तभी चाहिए ना, इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट देम. सपोज करो इस पब्लिक सर्वेंट ने, पुलिस वाले ने, पुलिस ऑफिसर ने रेप कर दिया किसी लड़की का, डू वी रिक्वायर्ड सैंक्शन? बहुत बड़ा अपराध हो गया ना. अब ये कैसा अपराध है, बड़ा हो गया ना, why we required a sanction? ठीक है, लॉजिक समझ आ गया, सारा लॉजिक है पूरा, सीआरबी सब लॉ ही लॉजिक है, जो लॉजिक लगा लेगा वो आराम से क्लियर कर जाएगा. चलो आगे चलते हैं, इसी का ही आगे करते हैं, ये हटा दूं मैं. और यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, कॉन्स्पिरेसी के मामले में 2 साल से कम वाले में सेंशन चाहिए होगी. एक बार पढ़ लीजिए बेरेट, नहीं तो क्लियर नहीं होगा. एक बार पढ़िए जल्दी से, क्या कहता है? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑन ऑफेंस ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल अंडर 120 बी अदर देन अ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस डेथ लाइफ और 2 साल से ज्यादा, अनलेस जब तक स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द कंसेंट राइटिंग टू इनिशिएट अ प्रोसीडिंग. ठीक है, provided that where the criminal conspiracy or one of which the provision of 195 apply, no such consent shall be required. अगर 195 वाले provision apply हो रहे हैं, मतलब ये 195 कौन सा है?
हाँ जी सीआरपीसी का ही सीआरपीसी का ही कह रहा है, अगर आईपीसी कहता तो लिखता ना, प्रोवाइडेड दैट वेयर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज वन विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 195 अप्लाइज, यानी पब्लिक के काम को रोकने के लिए पब्लिक सर्वेंट के कंटेम्प्ट ऑफ लॉ अथॉरिटी के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई। देखो एक बात बताइए, 195 के 3 में कॉन्स्पिरेसी लिखा है नहीं लिखा है? यस 195 के 1 के 3 में कॉन्स्पिरेसी लिखा है, 195 के बी के 3 में कॉन्स्पिरेसी लिखा है, तो कॉन्स्पिरेसी अगर उन ऑफेंसेस के लिए की गई है देन दे नॉट रिक्वायर टू, तब उस मामले में कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है चलो आगे चलते हैं, इतना अंदर से वैसे भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है, बट हाँ ये जरूर आ सकता है 120 का बी जो हमने भी पढ़ा, और इसका 3 कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बिफोर अकॉर्डिंग सेंक्शन एंड द स्टेट गवर्नमेंट और द डीएम में बिफोर गिविंग सेंक्शन अंडर जो भी सेक्शन है प्रोवाइडेड सेक्शन, जहां पर डीएम की जरूरत है सेंक्शन की, जो गवर्नमेंट की है स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, कई बार वो क्या कर सकते हैं प्रिलिमरी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। प्रिलिमरी इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, कौन करेगा प्रिलिमरी इन्वेस्टिगेशन? पुलिस ऑफिसर नॉट द बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं करेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ केस सच पुलिस ऑफिसर शैल हैव द पावर रेफर टू इन क्लॉज 3, ठीक है, तो 155 के 3 के अंदर प्रिलिमरी इन्वेस्टिगेशन वो करा सकते हैं ताकि आगे में इनिशिएट करना पड़ सके। नाउ 197 बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट, अब इन पे मुकदमा करना है तो कैसे होगा? कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगी क्या? कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये, और चुटकियों में हो जाता है, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। डू यू थिंक दैट आई शुड डू इट इन अ डिटेल और यू कैन डू इट बाय योर ओन? मैं ऊपर ऊपर से बता सर, मैंने मेंस का आज क्वेश्चन देखा था इसी सेक्शन पे, तो मुझे पढ़ा नहीं था, तो अभी मैंने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ था, मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप डिटेल में कर देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है डिटेल में ही कर रहे हैं वैसे हम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन तो है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वैसे 197 में एक बहुत अच्छी बात है, अगर पहली लाइन में खत्म हो जाती है बात, when any person who is or was a judge, who is or was a judge, इसका मतलब क्या हुआ? या तो वो जज है या वो कभी जज रहा हो, या तो वो जज है या रहा हो, कहने का मतलब क्या हुआ? या तो वो प्रेजेंट में कोई जज है या पब्लिक सर्वेंट या पास्ट में रहा हो, तो यानी 197 दोनों पे अप्लाई होता है भाई। अब वो रिटायर्ड हो चुका है, जब रिटायर्ड हो चुका है लेकिन उससे पहले उसने कुछ क्राइम किया हो, रिटायरमेंट से पहले क्राइम, तो क्या हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं? कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगा? नहीं लेगा, लेकिन कंडीशन फुलफिल करोगे देन द कोर्ट कैन टेक अ कॉग्निजेंस। यानी जो प्रोटेक्शन है इन द सेंस यू कैन से ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों को कवर करती है, जब उसने ऑफिशियल ड्यूटी में कुछ काम करा होगा, बशर्ते ऑफिशियल ड्यूटी हो, ऑफिशियल ड्यूटी में कुछ काम करा है चाहे अभी चाहे उसने पास्ट में, देन ऑफ कोर्स ही बात है क्या होगा, प्रोटेक्शन दे रखी है कि भाई हाँ कॉग्निजेंस कोर्ट तब तक नहीं लेगी जब तक क्या नहीं होगा, जब तक सेंक्शन ना ले ली जाए। सेंक्शन कौन देगा? सेंक्शन मतलब परमिशन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है बार बार गड़बड़ मत करना, परमिशन कौन देगा? या तो स्टेट गवर्नमेंट देगी इन केस ऑफ द स्टेट सिविल सर्वेंट या जज हो स्टेट का, या स्टेट या तो सेंटर देगी, अगर सेंटर का कोई एम्प्लॉय है पब्लिक सर्वेंट, सपोज करो रेलवे का, इंडियन रेलवे का है,
भैया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ना, ठीक है। अब एक बात और लिखिए, लोकपाल लोकायुक्त यहाँ पे। अब थोड़े से कुछ ऐसे प्रोविजन है जो लोकपाल लोकायुक्त आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, नॉट नोटिफाइड नहीं हुए हैं, दे आर नॉट नोटिफाइड एंड देयरफॉर ये थोड़े अभी रिडंडेंट हैं, मतलब इनका एप्लीकेशन नहीं हो पाया, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही परमिशन देगी, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर फॉर इनिशिएटिंग एनी केस अगेंस्ट द जजेस और द पब्लिक सर्वेंट एंड द कोर्ट ओनली विल टेक एन कॉग्निजेंस, कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेगी जब उसके पास स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन दे दी गई होगी। और आगे भी मैं बता देता हूं, देखो, बट लेकिन अगर जज साहब ने या किसी ने पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई ऑफेंस सेक्सुअल ऑफेंस किया हो, चाहे पास्ट में किया हो चाहे प्रेजेंट में किया हो, सेक्सुअल ऑफेंस कौन से हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पर 354, 352 जो भी है, वट एवर इट इज ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन पर्टिकुलरली, एंड 166A पब्लिक सर्वेंट, 166B एंड 354 वाले मामले, क्या इन मामलों में सेंशन चाहिए होगी क्या? नो सेंशन रिक्वायर्ड। अर्चना अगर आपके पास वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पढ़ के बता दीजिए मुझे, मेंस में जो क्वेश्चन आया है, विल डू इट राइट नाउ। सर वो मैंने ऑनलाइन ही देखा था, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, वो सिंपल में यही क्या था लिखा था कि राइट द प्रोसीजर, हां वो शॉर्ट क्वेश्चन था, प्रोसीजर बोला था उसमें कि कैसे करते हैं अगेंस्ट जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। तो प्रोसीजर में हमें ये पूरा प्रोसीजर बैरेट लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है बैरेट। देखो कुछ स्टेट्स हैं जो बैरेट देती हैं, कुछ स्टेट बैरेट नहीं देती है, जो देती है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप बैरेट की भाषा ना लिखें, जो नहीं देती तो आप बैरेट की भाषा लिख रहे हैं तो आप सबसे बढ़िया है, लेकिन बैरेट की भाषा ऐसा नहीं है कि पूरा बैरेट छापे, बैरेट को अपनी भाषा में लिखना है, सेंटेंस अपने बनाने हैं बैरेट के, तो अगर आपके पास बैरेट है बैरेट को तो कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, नंबर क्यों मिलेंगे, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको, आई होप आ गया होगा सर। ये सेंट्रल और स्टेट के आगे आपने क्या लिखा है सर? ये मैंने लिखा था पब्लिक सर्वेंट एग्जांपल दे रहा था, कोई इंडियन रेलवे में, रेलवे वाला जो है इंडियन रेलवे है ना, वो तो सेंटर की जॉब हो गई तो सेंटर गवर्नमेंट परमिशन देगा। हाँ जी आपने कुछ पूछ रहे थे आप, लोकपाल और लोकायुक्त क्यों लिखा है आपने यहाँ पर? लोकपाल लोकायुक्त मैंने इसलिए लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 में एक एक्ट आ चुका है, तो मुझे तो मिला नहीं, तो आपका पुराना बैरेट है ना। अच्छा कौन सी अमेंडमेंट कौन सी ईयर में हुआ है आपका बैरेट, कौन सी ईयर का है ये? 2014 में हुआ है यामिनी। अच्छा आपका बैरेट कौन सी ईयर का है यामिनी? अरे फ्रंट पेज देखो ना, उस पे लिखा होता साइड में लेफ्ट हैंड साइड का अमेंडमेंट तो है मेरा, 2015 का है, बट रहने दो पुराना है आपका, 2014 में आया है ये, ठीक है। लेकिन सर 2014 का तो मेरा भी मेरे में तो क्या हुआ है, अब होगा किसी और कंपनी का होगा, किसी का यूनिवर्सल का होगा, मुझे नहीं पता ना, मैं देख नहीं सकता आप। तो 2000 जिनका 18 19 20 का उसमें लिखा है, ये 2014 के इफ एक्ट का नंबर है 2013 का है लोकपाल लोकायुक्त एक्ट, और इसको इफ इंसर्टेड बाय द एक्ट नंबर 2014 में 58 उसमें ऐड किया गया है, तो आज भी लेकिन लोकपाल लोकायुक्त इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे स्टेट में लोकायुक्त तो है भी नहीं, ठीक है, हर स्टेट में थोड़ी ना लोकायुक्त। अच्छा पहले लोकपाल जी कौन है हमारे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सुना का नाम, एक मिनट सर घूम रहा है दिमाग में, चलो सोच लो, देखो मत, पिनाकी चंद्रा घोष, ठीक है। अब इसको एक बार बैरेट को पढ़ लेते हैं, खत्म हो गया वैसे, और बाकी बहुत सिंपल से प्रोविजन है ये नीचे के जो है वो भी मैं करवा दूंगा अभी आपको, ठीक है। आर्मी उसकी सेंशन कैसे मिलेगी, बड़ा सिंपल से, चलो पढ़ते हैं। व्हेन एनी पर्सन, सीमा जी आर यू देयर? सीमा यस सर। सीमा समझ में आ रहा है? यस सर। लेक्चर नो सर, एक्चुअली सर मैं बाहर थी इस वजह से मैंने इसे किया नहीं था, अनम्यूट नहीं किया था।
चलो कोई बात नहीं, आप म्यूट कर दीजिए. ओके, सो नाउ व्हेन एनी पर्सन हु इज और वाज अ जज और मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट, तो किस किस की बात की कर रहा है, जज की, मजिस्ट्रेट की, पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट तो अपना वही सेक्शन 21 देख लेंगे आईपीसी का. नॉट रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस सेव बाय और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अनलेस टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम व्हाइल एक्टिंग और पपेटिंग एक्टिंग or purporting to act in the disobedient sorry not disobedient discharge of his official duty. They wo apni apni official duty kar rahe hain when they are doing their official duty. No court shall take a cognizance of such offense except with the prevent sanction. Prevent sanction kahan se milegi? Save as otherwise provided lokpal and lokayukt act. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में जो दे रखी है वहां से परमिशन लेनी होगी. बट बिकॉज इट इज नॉट इफेक्टिव येट प्रॉपरली एंड देयरफॉर वी हैव टू टेक अ परमिशन. अगर एक ही बात करें, इन केस ऑफ पर्सन इज एम्प्लॉयड और एट द केस में बी वाज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एलेज ऑफेंस एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन. अगर जो एम्प्लॉय यूनियन में काम कर यूनियन गवर्नमेंट में काम करता है यानी केंद्र सरकार, तो कौन देगी? तो यूनियन गवर्नमेंट देगी. और अगर बी की बात करें, हु इज एम्प्लॉयड इन एज द केस मे बी वाज एट द टाइम, अभी है या था, ठीक है, दोनों हो सकते सिचुएशन, जब उसने ऑफेंस किया था इन कनेक्शन विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टेट के में नौकरी करता था, वो स्टेट की नौकरी करता था, देन परमिशन विल बी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब ये प्रोवाइजो हैं बड़े, मुझे लगता नहीं क्वेश्चन तो कभी आया नहीं, लेकिन एक बार आप पढ़ेंगे तो इसको समझ में भी आ जाएगा. अब अगर इमरजेंसी चल रही है, एक बार बताइए 356(1) है, ये कौन सी इमरजेंसी की बात करता है? स्टेट इमरजेंसी लग गई ना, सॉरी स्टेट इमरजेंसी लग गई. स्टेट इमरजेंसी लग गई तो परमिशन कौन देगा? अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देती तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, खत्म हो गया प्रोवाइजो. एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? फॉर द रिमोट इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट नो सैंक्शन. बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, सॉरी. ये वाली बात समझ में आ गई अर्चना? प्रोवाइजो बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए समझ में आ गई क्या? आगे चलें. हाँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ना, बस ये कह रहे हैं ना. जब इमरजेंसी लग रही है तो सारी पावर तो हमारी उसके पास चली जाती है ना, स्टेट की, यूनियन के पास, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ना करके सेंट्रल गवर्नमेंट देगी. ठीक है सर. एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है बिल्कुल क्लियरली, ताकि कोई संदेह डाउट ना रहे, नो सैंक्शन शैल बी रिक्वायर्ड. नो सैंक्शन रिक्वायर्ड, कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं होगी. कब? अगर पब्लिक सर्वेंट ने कौन से ऑफेंस किए हैं बताइए जरा. 166A क्या कहता है ये? 166B, ये सारे प्रोविजन जो है 354, 354A, B, C, D और भी इसमें जुड़ गए होंगे, जिसका लेटेस्ट बैरेक्ट है 354A, B, C, D. सर यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट ही बोला है, लेकिन सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे तो जजेस भी इंक्लूड कर रहे हैं, जजेस और मजिस्ट्रेट को. इसकी मर्जी है, तो सीआरपीसी की मर्जी है, जिस मर्जी को इंक्लूड करे. वो नहीं चाहता कि भाई मजिस्ट्रेट साहब के खिलाफ करे जाए. पब्लिक सर्वेंट अगर इसको ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जाए तो जज साहब भी तो पब्लिक सर्वेंट होते हैं. यस सर. अगर ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जाए, अगर हम पूरी आईपीसी की धारा 21 को खोल के देखेंगे तो जजेस आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट. बट नैरोली इट इज ऑल अप टू दी, देखो ऐसा है ना, क्योंकि ये ऑफेंस ऐसे हैं, देखो जुडिशरी को आपको शायद थोड़ा आइडिया भी होगा, इस तरीके के अगर आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लोग हैं जो लगाया जाता है. रंजन गोगोई जी साहब के पर भी तो लगा था एलिगेशन, आई होप यू कैन रिमेम्बर, 354 के मामले लगे थे. अल्टीमेटली बाद में प्रॉबिंग हुई, अभी भी चल रहा है वैसे, वो प्रॉबिंग हुई तो पता चला वो लड़की के आरोप गलत है. तो इसलिए थोड़ा सा डिग्निटी भी मेंटेन रखी जाए, कोर्ट को बिल्कुल हर मामले में घसीटा ना जाए. तो देयरफॉर दे हैव यूज्ड द पब्लिक सर्वेंट. अदरवाइज आपको एक बात पता होगी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो होती है, अगर उसके खिलाफ मोरल टर्पिट्यूड का केस अगर आ जाता है, सुना है वर्ड मोरल टर्पिट्यूड? yes. लिखा होता है ना,
तो हटा देते हैं नौकरी से भी। सर क्या मतलब होता है इसका? मॉरल टर्पिट्यूड ये वाले ऑफेंसेस होते हैं, मॉरल टर्पिट्यूड जहाँ पे उसकी मोरालिटी मतलब इस तरीके के ऑफेंस उसने किए हो, सेक्सुअल ऑफेंस हो गए जो इंसान रखने लायक नहीं है, करेक्टर की बात आ रही है उसकी बार बार, इस तरीके के एलिगेशन आरोप लग रहे हैं उस पर, देन ही मे आस्क टू लीव। सर मेरा एक सवाल था यहीं पे, जैसे वो एसजी वो गिल वाला केस है ना जी, हाँ तो सर उनको 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हुआ था उस केस में, तो क्या फिर बाद में मतलब उनसे सर्विस ले ली गई थी मतलब उनको? दैट इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर मैटर, बट हाँ देखो हमारा क्रिमिनल पॉइंट है वो सर्विस में थे या नहीं थे आई डोंट नो, जजमेंट में भी नहीं लिखा, बट हाँ उसको कंसीडर किया था क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोबेशन पे था, सजा काट चुका था जितनी उसको काटनी थी, बड़ी मुश्किल से केस हुआ, केपीएस गिल का केस है ना, रूपन देव बजाज, यस सर बजाज है या नहीं आई डोंट नो, रूपल देव तो है लेकिन ठीक है, बट हाँ सर्विस पे जनरली रखते नहीं है अगर इस तरीके के मामले होते हैं। यस सर वो हटा देते हैं फिर बाद में आई थिंक, हटा देते हैं वैसे तो, बट ये ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस भी है ना, पता चला फॉल्स एलिगेशन था तो क्यों हटाएंगे, किसी के लिवलीहुड थोड़ी ना छीनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एंड द आउटपुट ऑफ द केस, केस का क्या रिजल्ट रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कई जगह जॉब्स में लिखा होता है मॉरल टर्पिट्यूड के वाला ऑफेंस ना, उसको तो रखेंगे ही नहीं नौकरी पे, पता चला वहां का हमारा एनवायरमेंट खराब कर दिया, माहौल खराब कर देगा ऑफिस का। चलो आगे चलते हैं, इट्स अ यूज लाइक आई मीन अनएंडिंग टॉक हो जाएगा अदरवाइज। 454 इन मामलों में क्या होगा, डेफिनेटली देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंशन की कोई जरूरत नहीं होगी, 376 वाले मामले हो गए। अब 376 वाले मामले ए बी सी सारे हैं, बी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ध्यान देना बी नहीं है, बी क्यों नहीं है क्योंकि बी हम आगे पढ़ेंगे, बी नहीं है यहाँ पर ठीक है। बी में किसके बारे में बात की, वाइफ है ना, कौन है बी में, 376 में बी में क्या लिखा है, नहीं है सर, वाइफ है ना सर, सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग सेपरेशन, हस्बैंड और वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द सेपरेशन, इस पे भी बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, 2 साल से 7 साल तक की सजा है, इस पे करेंगे बाद में बात, अभी आगे आएगा प्रोविजन ठीक है। सी डी, अब उसमें वो अब जिसका अमेंडेड होगा उसमें डी ए वाले प्रोविजन भी, बच्चे वालों भी है ठीक है, और 509 तो है ही। आगे चलते हैं, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑन ऑफेंस अनलेस टू हैव बीन कमिटेड बाय मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, चलो इसको हटाते हैं फिर आगे लिखते हैं। अब कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, ऑफेंस अनलेस टू हैव बीन कमिटेड बाय, किसने किया है ऑफेंस, आर्म फोर्स के मेंबर ने किया है, 197 का 2 आर्म्ड फोर्स के मेंबर ने किया है, ऑफ यूनियन, आर्मी तो केंद्र सरकार की होती है, फिर केजरीवाल की भी है कोई आर्मी, सो यूटी है ना वहां पे तो सेंट्रल की है, अरे armed force है ठीक है, armed force में से union की होगी, while acting or puppeting to the act in the discharge of his official duty except with the pre-sanction of the central government, यानी central government से permission लेके इनके खिलाफ भी case किया जा सकता है। आगे चलते हैं, third the state government by notification direct the provision of subsection 2 shall apply to the such class or category of a member of the force charged with the maintenance of public order, अब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी ये डायरेक्शन दे सकती है कि सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 वुड अप्लाई, जो लोग मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी पुलिस वगैरह जो हो गई ना उसके केस में भी किसकी परमिशन चाहिए होगी, किसकी परमिशन चाहिए होगी, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है नोटिफिकेशन निकाल के कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। अभी आपको शायद पता होगा
कि अगर हमें किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे दिल्ली के अंदर अगर हमने तो प्रोसिक्यूट करने से पहले सरकार की परमिशन चाहिए होती है। लेकिन ये पावर जो है कन्वर्ट की जा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दे मे बी सर्विंग अपॉन द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी जा सकती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से अपनी पावर को सेंट्रल को दे रहा है। चलो एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इतना खास आ रही है ज्यादा। विल हैविंग अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स ओनली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वापस से। वी वर टॉकिंग अबाउट 197 का 3। आई गेस यू ऑल आर देयर। यस सर। ठीक है, तो 197 का जो 3 है, जहां पे लिखा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल के डायरेक्ट कर सकती है। नोटिफिकेशन निकालेगी क्या, डायरेक्ट कर सकती है, दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, ये वाले जो प्रोविजन है आर्मी नेवी वाले, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती थी, शैल अप्लाई टू सच क्लास और कैटेगरीज ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एज द मे बी स्पेसिफाइड देयर इन, ठीक है, वेन एवर दे मे बी सर्विंग, कहीं पे भी चाहे वो सर्व कर रहे हो, एंड देयर अपॉन द प्रोविजन ऑफ दैट सबसेक्शन विल अप्लाई। और अगर ऐसा करेगी तो ऑफ कोर्स ही बात है फिर परमिशन भी कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो देगी। ठीक है, तो ये कहता, बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है। अब इसमें 3A क्या कहता है, एक बार जल्दी से क्विकली देख लेते हैं। 3A, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अनलेस टू हैव बीन कमिटेड बाय द मेंबर ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर in the state while acting or preparing to discharge। ठीक है, इसमें सिंपली 3A में कहता है कि कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, नो कोर्ट शैल टेक अ कॉग्निजेंस अगर किसी इंसान ने जो फंक्शन किया है वो वाइल डिस्चार्जिंग इज ड्यूटी किया है, वाइल डिस्चार्जिंग इज ड्यूटी, ठीक है, एक्टिंग और प्रिपेयरिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी ड्यूरिंग द पीरियड
और ये कब किया है ऑफेंस? प्रोक्लेमेशन जब इश्यू की गई थी 356(1), यानी इमरजेंसी के दौरान, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स ही बात है, अब प्रीवियस सैंक्शन जब ये इमरजेंसी लगा दी गई है स्टेट इमरजेंसी, तो सैंक्शन कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट ना देकर अब देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये 3 का भी कोई यूज का है नहीं, एक टाइम पीरियड दे रखा है अमेंडमेंट के दौरान, वो किसी यूज का नहीं, यू कैन जस्ट रीड बाय योर ओन। 4th एक बार देख लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी मे डिटरमाइन द पर्सन बाय हुम, एक सेकेंड, बाय हुम द मैनर इन विच एंड द ऑफिस ऑफेंस और ओके। अब ये क्या कर सकते हैं, कई बार स्पेशल कोड बनाई जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, 4th पॉइंट जो है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है, एज द केस में भी मे डिटरमाइन बाय द पर्सन बाय हुम, किसके द्वारा, द मैनर इन विच एंड द ऑफेंस ऑफ और ऑफेंस ऑफ विच द प्रोसिक्यूशन ऑफ द सच जज मजिस्ट्रेट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट इज टू बी कंडक्टेड। मतलब इनका जो प्रोसिक्यूशन है, जज है, मजिस्ट्रेट है या पब्लिक सर्वेंट का प्रोसिक्यूशन कौन करेगा? ठीक है, एज मे बी स्पेसिफाइड द कोर्ट बिफोर विच द ट्रायल इज टू बी हेल्ड, कहाँ पर इनका मामला चलेगा। ऑफकोर्स ये बात है, एक आम देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आपने एक वर्ड सुना होगा ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव, सुना है ड्रॉइड, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं मे बी, ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव, इंग्लैंड में एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, पढ़ा है ये वर्ड कभी? यस सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, जब पढ़ा था ना, इंग्लैंड का ओरिजिन था कुछ इस पे, क्या है ये? देखो हम इंडिया में रहते हैं, जनरली इंडिया में एक आम जनता के लिए भी सेम कोर्ट है और जो हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी सेम कोर्ट है, बट फ्रेंच जो है, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पब्लिक सर्वेंट के लिए अलग कोर्ट है और एक आम जनता के लिए अलग कोर्ट है, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है भाई हमारे मजिस्ट्रेट और ये जज साहब और पब्लिक सर्वेंट का कैसे, किस कोर्ट में ट्रायल चलेगा, स्पेशल कोर्ट बनाई जा सकती है। ओके, तो हमने पढ़ लिया 197 तक, विल स्टार्ट विद 198। इसमें एक सेक्शन जो मैंने छुड़ाया पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं, एक डेट दे रखी है उसका कोई औचित्य नहीं है, डेट भी खत्म हो गई, अमेंडमेंट भी आगे रह चुका, आज तक क्वेश्चन नहीं आया। बहुत सारे प्रोविजन ऐसे भी थे जो जिसमें ना आया ना आएगा, वो भी हमने कर लिए। 198, नाउ सेक्शन 198, व्हाट इट डील विथ, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो प्लीज बी फोकस्ड। नो कोर्ट, हाँ जी सर, जैसे ये 3 वाले में जो हमने पढ़ा के सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब्स्टिट्यूट कुछ करके लिखा है ना, फिर 3A में बोल दिया कि जब इमरजेंसी होगी तो वहां पे प्रीवियस सैंक्शन जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो थोड़ा कौन एक जैसा नहीं हो गया? हाँ जी, दोबारा बोलिए कौन कौन से में कंफ्यूजन आ रहा है। 3 वाले में जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है जो 2 के अंदर जो प्रोविजन दिए हुए हैं कॉग्निजेंस लेने के, वहां पर 3 में बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ है ना? सब्स्टिट्यूट जो वर्ड है वो डायरेक्शन के फॉर्म में हुआ है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट माना जाएगा, जहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, ऐसा हो सकता है क्या पता स्टेट गवर्नमेंट कहे कि भाई ये जो हमारी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसे तो दिल्ली पुलिस का एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूँ तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, दिल्ली की पर्टिकुलरली बात करें, बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एक फोर्स लगाई हुई है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए, अगर वो कुछ गलत काम करती है उनके खिलाफ अगर केस करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को
डायरेक्शन देके कि इस इंसान पे अगर केस करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में परमिशन चाहिए होगी, डायरेक्शन नोटिफिकेशन निकाल के. एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद व्हाट, सब क्लियर हो गया, मतलब कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है वहां पर स्टेट हो जाएगा, बस ये फर्क है ना. अगर उसने डायरेक्शन नोटिफिकेशन निकाल के डायरेक्ट किया है तो देन ओनली द स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा. ठीक है, अदरवाइज देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ही तो देगी उसकी. अगर लॉ एंड मेंटेन्स की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का एक स्टेट का भी तो दायित्व होता है. और वहां पे अगर वहां के पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसके लिए जो केजरीवाल सरकार है वो परमिशन देती है. ठीक है, बट अगर वो पावर उसने नोटिफिकेशन निकाल के डायरेक्शन दे दिया है कि इसकी इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी, स्टेट गवर्नमेंट का जो वर्ड है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे हमने अभी पढ़ा था ना 197 का बी के बाद जो प्रोविजो लिखा है, 197. अरे इमरजेंसी वाली बात में अगर इमरजेंसी लग गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी. इसी तरीके से अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे रखी है तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी पावर परमिशन. हाँ, तो सर एक तरह से ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जब नोटिफिकेशन निकाल दी तो अपनी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है, दे सकती है नोटिफिकेशन निकाल के. ठीक है, उस मामले में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ना लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परमिशन होगी वो सफिशिएंट अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी. स्टेट गवर्नमेंट ना देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी परमिशन. ठीक है सर, इस एक तरीके का डेलीगेशन ऑफ द पावर है. और लेकिन डेलीगेशन उल्टा लग रहा है, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पावर स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ उल्टा है थोड़ा. अपनी खुद की पावर. और वैसे ये डेलीगेशन नहीं है, ये एक तरीके का ये है कि भाई हम नहीं देंगे तो आप उनसे ले सकते हैं परमिशन, नोटिफिकेशन में निकाल दिया है. ओके सर, क्वेश्चन आता नहीं है यहाँ से, इतना कंफ्यूजन, इतना टेंशन मत लेना. अगर ना भी वैसे तो समझ में आ ही गया होगा. देखो ये जो सेक्शन है ना 197, इस क्वेश्चन कहाँ से आता है आपका, सिर्फ ये पूछा जाएगा. एक तो पर्टिकुलर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें आपने सीआरपीसी के हरियाणा के, ये सब यहाँ से तो नहीं आया था क्वेश्चन, यहाँ से भी आ सकता है. लिंक क्या है, बस वो ये पूछेगा कि भाई जज और पब्लिक सर्वेंट का अगर प्रोसिक्यूशन करना है तो क्या उसका प्रोसेस है. प्रोसेस में ही पूछेगा बस कौन परमिशन देगा, सेंशन कौन देगा, इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा. और वैसे ही सेक्शन बेस्ड आएगा क्वेश्चन, सीधा आपसे 197 पूछेगा कौन सा सेक्शन है, सिर्फ इतना ही पूछता है. ये तो बहुत डिटेल में जाके कर लिया हमने. और एक चीज देखो, खास बात देखो, हमने 195, 196, 197 ही करा आज, लगभग 2 घंटे होने वाले. और ये खास बात नहीं है, बेकार बात है. ओके ना, 198 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज. मैरिज ये इंपॉर्टेंट है. नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर नंबर 20. चैप्टर नंबर 20 क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज. ओके, सेक्शन बता दीजिए जरा कहां से कहां तक आते हैं. 498 से लेकर के 504 तक. ओके, अगर मैं 20 का ए बात करूं तो 498 ए सिर्फ ए की सेक्शन है. Am I right? Yes, sir, वहाँ पे एक ही है. चलो तो आगे चलते हैं. अगर एक बार बताइए, देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर हो रही है 498 से लेकर 504 तक. अब इसके लिए क्या जरूरत होगी, अब क्या जरूरत होगी, यहाँ पे भी कंप्लेंट चाहिए होगी. कंप्लेंट Made by the some person aggrieved. कौन करेगा कंप्लेंट, जो aggrieved है. Aggrieved by the offence. Provided that. लेकिन प्रोवाइजो क्या कहता है? 493 से लेकर के 498 तक है. 20 हो गया 493 to 498. हाँ ये देखो, ये लिख दिया, ये गलत लिख दिया, क्योंकि यहीं पे तो सारे ऑफेंस हो रहे हैं. बायगैमी हो रही है, एडल्ट्री हो रही है. अभी एडल्ट्री पे भी बात करेंगे. एडल्ट्री में जब ऑफेंस ही नहीं रहा तो कौन लेगा, केस होएगा ही नहीं, हटाना पड़ेगा ना सेक्शन को.
ठीक है, तो 493 से लेके 498 तक कंप्लेंट कौन करेगा? एग्रीव्ड, प्रोवाइडेड दैट अगर ये जो सपोज कीजिए 493 एलोपमेंट वगैरह सारे प्रोविजन, 494 ले लेते हैं बड़े प्रोविजन, बायगैमी है, एंड 495, 496, 497 क्या है? एडल्ट्री। और बताइए 498 तो ये इसके क्या ऑफेंसेस है? ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए लड़की माइनर है, वेयर सच पर्सन इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, प्रोवाइडेड में लिखा है ना, अगर वो 18 साल के अंदर है, अगर वो इडियट है, अगर वो ल्यूनेटिक है, अगर वो बीमार है, अगर वो इन्फर्म है, ठीक है, एंड इफ शी इज नॉट एबल टू मेक अ कंप्लेंट, अगर वो कंप्लेंट नहीं कर पाती है तो, अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट और इज अ वुमेन हु अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम अनेबल टू मेक कंप्लेंट, कंप्लेंट नहीं कर पाती है तो, वाय क्यों नहीं कर पाती है? बिकॉज आपने देखा ना पर्दशीन लेडी होती है, कुछ पर्दशीन लेडी जो पब्लिक के सामने नहीं आती है, और सम अदर पर्सन मे, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, ये मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, लीव ऑफ कोर्ट, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी उस लेडी के बिहाफ पे आपने अगर केस फाइल करना है तो, ठीक है, मेक कंप्लेंट ऑन हिज ओन बिहाफ कोई भी कर सकता है, कौन कर सकता है? सम अदर पर्सन, अदर पर्सन कर सकता है, बट यू हैव टू टेक अ लीव फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आए बात? यू हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, ये तो बात हो गई ए की। अब हम बात करेंगे बी में, बी में क्या लिखा है? बड़ा सिंपल सा है बी तो, वे सच पर्सन इज अ हस्बैंड, अगर वो इंसान हस्बैंड है तो, एंड ही इज सर्विंग इन एनी आर्मी, आर्म्ड फोर्स में है तो, और बेचारा आर्म्ड फोर्स में है लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही, अंडर कंडीशन विच आर सर्टिफाइड बाई इस कमांडिंग ऑफिसर, तो अब कौन दे सकता है? कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर क्या करेगा? आज प्रक्लूडेड इन फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ लीव ऑफ द एब्सेंस टू एनेबल हिम टू मेक अ कंप्लेंट, अब ये बेचारा नहीं जा पा रहा क्योंकि भैया इमरजेंसी है, कमांडिंग ऑफिसर भी छुट्टी नहीं दे पा रहे हैं, देन व्हाट? इन द एब्सेंस, लीव ऑफ एब्सेंस टू एनेबल हिम टू मेक अ कंप्लेंट इन अ पर्सन, सम अदर पर्सन, अब इसको कोई और इंसान क्या कर सकता है? उसके अलावा कोई और भी तो कर सकता है उसकी कंप्लेंट, अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द हस्बैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, ऑथराइज कर देगा यहाँ पे, कौन ऑथराइज करेगा? हस्बैंड, कि भैया मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो आप मेरे बिहाफ पे केस करिए, मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज बिहाफ सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 क्या कहता है? द ऑथराइजेशन रेफर टू इन सबसेक्शन बी, सब क्लॉज बी, शैल बी इन राइटिंग, लिखित में होना चाहिए, ठीक है, ये लिखित में होना चाहिए ना, किसका? ऑथराइजेशन लेटर, ऑथराइजेशन लेटर कौन इशू करेगा? हस्बैंड देगा उस इंसान को लिखित में कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, आप मेरे बिहाफ पे केस कर दीजिए, राइटिंग होना चाहिए, और शैल बी क्या होना चाहिए? साइंड होना चाहिए, लिखित में भी होना चाहिए, शैल बी साइंड और अदरवाइज अटेस्टेड बाय द हस्बैंड, या हस्बैंड उसको अटेस्ट कर दे, शैल कंटेन अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द एलिगेशन अपॉन विच अ कंप्लेंट इज टू बी फाउंडेड शैल बी काउंटर साइन बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर, तो कमांडिंग ऑफिसर भी क्या करेगा? इस पे काउंटर साइन करेगा, एंड शैल बी अकॉम्पनीड बाय द सर्टिफिकेट साइन बाय द ऑफिसर टू विद द इफेक्ट दैट द लीव ऑफ द एब्सेंस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कंप्लेंट इन द कैन नॉट फॉर द टाइम बीइंग इज ग्रांटेड टू द हस्बैंड, कमांडिंग ऑफिसर ये भी बताएगा कि भाई इसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था ताकि ये केस कर सके, कंप्लेन कर सके, बट उसकी जो लीव है वो सेंशन नहीं हुई, एंड देयरफॉर ऑन हिज बिहाफ एनी थर्ड पर्सन इज फाइलिंग अ कंप्लेन एंड दैट पर्सन हैविंग अथॉरिटी फ्रॉम द हस्बैंड, हस्बैंड से अथॉरिटी है,
which should be in a written form that has to be signed, and along with the sign of the husband, it has to be countersigned by the commanding officer. Is that clear? हाँ जी, समझ में आ गई बात? सिंपल सा है, एक बार बैरक पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा। वैसे आप एक बार देखिए समझ में आया नहीं आया। हाँ जी दोबारा मुझे आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? एक बार थोड़ा क्लियरली बोलिए। सर मैं कह रही हूँ एक बार दोबारा बता दीजिए, नहीं समझ में आया। अच्छा, ये वाला समझ में आ गया आपको? 18 साल से कम है, कोई इडियट है, लुनेटिक है, सिक है, इनफॉर्म है, अनेबल टू कंप्लेन पर द शीन लेडी है, तो फिर आपको लीव ऑफ द कोर्ट है। कोई इंसान उससे कोर्ट से परमिशन लेगा, उसके बिहाफ पे कोई भी केस फाइल कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है। अब ये बात कर रहे हैं आर्मी की। आर्म्ड में भाई छुट्टी मिल जाती है क्या इतनी आसानी से? नहीं मिलती ना। लेकिन इस इंसान को तो केस फाइल करना है, कंप्लेन करनी है। अब इसके भी आप पे कौन करे? थर्ड पर्सन करेगा। इस थर्ड पर्सन को क्या क्या चीज चाहिए होगा? आपने सुना जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी, उसी तरीके से यहां पर एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, ऑथराइज लेटर दैट हैज टू बी साइन। ऑफकोर्स ही बात है, हस्बैंड उसको साइन करेगा ही, यानी आर्मी का जो इंसान है वो तो करेगा ही, कमांडिंग ऑफिसर भी करेगा काउंटर साइन कि हाँ भाई ठीक है, और उसमें ये भी लिख दिया जाएगा कि इसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, छुट्टी नहीं मिली है, देयरफॉर अदर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ कंप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड। खत्म, इतना सिंपल सा। आगे चलें। हाँ जी, यस सर। सी के लिए इसको हटाना पड़ेगा। पूर्णिमा, समझ में आ गया था? यस सर। और बेटा नहीं समझ में आया तो एक बार बैरक पढ़ना, क्योंकि अगर आप बैरक नहीं पढ़ के आए हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। देयरफॉर आई एम सेइंग, मैं हर दिन बता देता हूँ कि मैं ये करूंगा, तो आप ये पढ़ के आइए कम से कम, ठीक है? सी में क्या लिखा है? वेयर द पर्सन एग्री बाय द ऑफेंस पनिशेबल अंडर 494। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एडल्ट्री जो है आज के टाइम में क्या ऑफेंस है या नहीं है? हाँ जी, जल्दी से, कम ऑन। नो सर, हमने चैप्टर 20 की तो बात करी थी अभी, तो चैप्टर 20 के एडल्ट्री नहीं आता, 497 नहीं आता है। तो एडल्ट्री के मामले में क्या अप्लाई होगा? अभी ये नहीं अप्लाई होगा, बट हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर, ठीक है? जजमेंट में तो कह दिया गया भाई ये प्रोविजन जो 198 का जो ये है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है। अरे जब हम कंप्लेंट कर ही नहीं सकते तो 198 के अंदर ये लिखने की क्या जरूरत है? चैप्टर नंबर 20, या तो उसमें लिखा जाए चैप्टर नंबर 20 एक्सेप्ट लिखा जाना चाहिए ना, लाइक दिस। अब एडल्ट्री में क्या कोई कंप्लेंट करेगा? हाँ जी, जोसेफ साइन का केस नहीं पड़ा क्या? कम ऑन, से यस और नो। यस सर। बाकी लोग सो गए क्या? यामिनी, गुड मॉर्निंग यामिनी, सीमा, पूर्णिमा, आवाज नहीं आ रही है? सर। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना मैं किस पॉइंट पर ले जा रहा हूँ। बैरक में नहीं भी लिखा है कॉन्सेप्ट लिखना, लेकिन अगर क्वेश्चन एज पर सेक्शन पूछे तो सेक्शन ही रहने देना, अभी हटानी है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो जजमेंट आने के बाद हटनी चाहिए, लेकिन हटाने का प्रावधान जो पावर किसके पास है? अगर हमें कुछ कोड में से कुछ हटाना है तो उसके लिए हमें लॉ पास करना पड़ेगा ना, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती है वो अमेंडमेंट थोड़ी ना करती है, वो तो जजमेंट पास करती है। देयरफॉर इट कॉल्ड जज मेड लॉस, अमेंड थोड़ी ना करती है सुप्रीम कोर्ट। 498 आज भी ऑफेंस है, दिखाई दे रहा है बेरेट में,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जोसेफ शाइन को पढ़ लेंगे भाई, नहीं रहा ऑफेंस और वही अप्लाई होती है। बट हैज टू बी जो हमारे बैरक में से हटाना भी जरूरी है। अब वो पार्लियामेंट करेगी, अब देख रहे हैं सो रही है क्या कर रही है, जाग जाएगी तो हटा देगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई ऐसा yes, नहीं आ रहा है। ओके आगे चलते हैं 494 एंड 495। ये 494 क्या है? बाइगैमी। 495 क्या है? दूसरी शादी करना, कंसीलमेंट ऑफ मैरिज, पहले वाली छुपा के। हाँ पहले वाली छुपा के, नंबर सब्सिक्यूएंट परफॉर्मिंग सेकंड मैरिज और कंसीलिंग फर्स्ट मैरिज। हाँ जी पहली वाली छुपा ली है। सेम ऑफेंस विद द कंसीलमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ मैरिज फ्रॉम द पर्सन विद होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, दूसरी पहली वाली शादी छुपा दी, दूसरी कर ली, कर तो बाइगैमी ही रहा है। ठीक है, छुपा के कर रहा है पहले वाली, यानी बड़ा शातिर दिमाग है, बाइगैमी। ओके सो बाइगैमी वाले केस में क्या होगा? Where the person agreed by an offence punishable under 494-495 YPC is the wife. अगर वो wife है तो complaint may be made on her behalf. उसके behalf पे, wife के behalf पे कौन कौन कर सकता है? अब ये बड़े सारे हैं, father, mother, brother, sister, सन, डॉटर और बाय हर फादर मदर। ये देख लेना कौन कौन है, ये रिश्तेदार भी आ गए इसमें, सन भी आ गया, और सन और डॉटर और बाय हर फादर्स और मदर्स ब्रदर, फादर के भाई बहन, फादर के भाई कौन हो गए? ताऊ सर, चाचा सर, ताऊ। अरे ताऊ भी तो हो सकते हैं, बड़ा छोटा भी तो हो सकता है। ताऊ चाचा और मदर के ब्रदर और सिस्टर, मामा और मासी भी हो सकती है। ये भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं लेडी के फेवर की बात, कि भाई कोई बात है तेरे बिहाफ पे हम कर देंगे कंप्लेंट, और विद द लीव ऑफ कोर्ट। अब ध्यान देना थोड़ा, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन। अगर ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई और पर्सन भी कर सकता है, लेकिन वो इंसान इस फीमेल से कैसे रिलेटेड हो? एमबीए होना चाहिए, एमबीए ब्लड मैरिज अडॉप्शन, एमबीए होना चाहिए। ठीक है, उल्टा लिख लो, आगे पीछे लिख लो, नेमोनिक्स याद करने हैं, ब्लड मैरिज अडॉप्शन। सर मैरिज से मतलब कि यहाँ पे सास ससुर हो सकते हैं क्या? उससे संबंधित, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट से परमिशन लेगी, बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, यानी इस वाइफ का भाई भी कर सकता है, ब्लड से रिलेटेड है वो, इसने जिससे शादी करी है उससे रिलेटेड जो लोग आएंगे वो, या अडॉप्शन, सपोज करो इस वाइफ ने एक बच्चा अडॉप्ट किया था, या ये खुद अडॉप्टेड थी, उसको अडॉप्टेड फादर। अब ये इतना समझ तो हम गए हैं, अब उसके हिसाब से आप अपनी इंटरप्रिटेशन लगा लेना, कोई भी हो सकता है ब्लड मैरिज अडॉप्शन से रिलेटेड, एनी अदर पर्सन। लेकिन क्या है जरूरत, क्या है लीव ऑफ कोर्ट, क्या जरूरत है? अब एक बात मैं कंक्लूजन पे निकल के एक बात आई हूँ, आपके पास बेरेक्ट है ए बी सी, लीव ऑफ द कोर्ट, लीव ऑफ द कोर्ट, यहाँ क्या है? यहाँ लीव ऑफ द कोर्ट नहीं है। Is that clear? Yes, sir. जो सी में जो जो पहली वाली जो सेकंड लाइन में फादर मदर ब्रदर ये सब जो इनमें लीव ऑफ द कोर्ट नहीं चाहिए या? नहीं उनमें नहीं चाहिए, अरे वो तो है ही बेचारे, उसके बिहाफ पे करेंगे। अच्छा, लेकिन इन तीनों में ब्लड मैरिज और इनमें सिर्फ लीव ऑफ, तभी ब्रैकेट में लिखा है ना, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय मैरिज अडॉप्शन। जनरली वैसे वही लेडी कर देगी, वो नहीं कर पाती है, कई सारे कारण है नहीं कर पा रही है, देन ऑफ कोर्स उसके ब्याह पे उसका भाई कर सकता है, माँ कर सकती है, बेटा बेटी, एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन तब जब लीव ऑफ द कोर्ट है। लेकिन कोर्ट ऐसा तो नहीं ना कि भैया कोई भी कर दे, थर्ड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन का इन द सेंस बहुत कोई जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान नहीं चलेगा, वो इंसान रिलेटेड संबंधित होना चाहिए एमबीए से, ब्लड मैरिज अडॉप्शन।
देखो एक चीज तो बताइए, ये बायगैमी जो होता है, बायगैमी जो है दूसरी शादी कर ली, उसे आपके पड़ोसी से क्या लेना देना? क्या पड़ोसी कर सकता है? एनी पर्सन में क्या पड़ोसी आएगा क्या? तो इसको क्या लेना देना, ये कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, चाहे 10 शादी करे। समझ में आ गई बात? तो एनी पर्सन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, एनी पर्सन इन मस्ट बी इन रिलेशन विद दी ब्लड मैरिज एंड अडॉप्शन। ओके चलो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? फॉर द पर्पस ऑफ सब्सेक्शन 1, नो पर्सन अदर देन हस्बैंड ऑफ द वुमन शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीव्ड बाय एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 497 498। अब 497 और 497 तो किसी काम का रहा नहीं, काट रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए। 498 इसमें एग्री पर्सन कौन है? हस्बैंड होगा। एक बात बताओ, अगर एडल्ट्री खत्म हो गया है तो क्या एडल्ट्री ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है या नहीं है? Yes. आज भी है। Okay, provided that in the absence of the husband, some other person who had care of the woman or in his behalf at the time when the such offense was committed may with the leave of the court make a complaint on his behalf. Husband ke behalf pe koi aur bhi kar sakta hai, theek hai, on his behalf. Leave of the court chahiye hoga, leave of the court, theek hai, leave of the court chahiye. Husband ke behalf pe, husband hai dur, नहीं आ पा रहा है, कोई और कर देगा। 498 कहता क्या है? 497 तो बचा नहीं, इसलिए मैं 497 पे फोकस कर नहीं रहा। 498 कहता है एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद द क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन, भगा के ले गया है, एलोपमेंट बोलते हैं इसको। यस सर। एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद द क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन, शादीशुदा स्त्री को लगा भगा के ले गया, तो हस्बैंड तो कर ही सकता है कंप्लेंट, बट अगर हस्बैंड अवेलेबल नहीं है ऑन हिज बिहाफ, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है ये। सर इसी इसी को इसी सेक्शन पे मुझे पूछना है, जो 198 है तो सर ये मतलब इसमें अगर वुमेन अगर कंसर्न देती है तो फिर तो ऑफेंस नहीं बनेगा ना, कि तब भी है वो। वुमेन कंसेंट किस चीज की देती है? मैं वो खुद ही जा रही है साथ में, क्योंकि यहाँ पे इनसाइट वर्ड यूज किया गया है कि मतलब उसको बहला फुसला के ले जा रहा है। वुमेन कंसेंट जाए विदाउट कंसेंट जाए एलोपमेंट है वो। एक बात बताओ, 497 में क्या वुमेन एज एन अबेटर पनिश होती थी क्या? नहीं। तो बस इसको भगाया फुसलाया गया, एंटाइस, एंटाइस क्या होता है? लालच देना होता है। एक बात बताओ, किडनैपिंग वाला जो हमने केस पढ़ा था, क्या किडनैपिंग में माना कि ये माइनर थी, माइनर क्या थी? गर्ल। गर्ल की एज कितनी थी? 18। यहाँ पे भी तो एंटाइसमेंट इंड्यूसमेंट वर्ड यूज हुआ है ना, इसकी कंसेंट रिलेवेंट थी, कंसेंट इररिलेवेंट, वो बात अलग है। एट दी वर्ज, अगर वर्ज पे है, 18 साल कंप्लीट करने वाली है, 17 साल 29 दिन की है, तो कोर्ट थोड़ा लीनियंसी रखता था कि भाई पढ़ी लिखी है। वडगामा का केस याद होगा आई गेस, वडगामा, वासुदेव वडगामा, पता नहीं कौन सा केस था वो, जिसमें वो अपने चाचा के पता नहीं कहीं पे घर पे जाती है, उसके बाद खुद फोन करती है अपने बॉयफ्रेंड को, आ जाओ मुझे लेने, मोटरसाइकिल पे वो आता है, लेके भाग जाता। होप यू कैन रिमेम्बर, याद होगा तो। यस सर, यस सर। वर्ज वाली पॉइंट पे, नहीं तो बाकी यहाँ पे कंसेंट रिलेवेंट हो जाएगी। भाई गलत काम तो वो लड़का कर रहा है ना अल्टीमेटली, तो यहाँ पे वो जो पर्सन है, थर्ड पर्सन जो दूसरे की वाइफ को भगा रहा है, वो है कल्प्रिट। तो सर फिर इसमें 490 जो 497 है, इसमें क्या फर्क रह गया फिर? ये दोनों तो एक जैसे ही कुछ हो गए ना। अरे यहाँ पर 497 में तो सेक्स भी तो हो रहा है। 498 में क्या लिखा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स लिखा है क्या? नहीं, वहां पे सिर्फ लेके जा रहा है उसको विद द क्रिमिनल इंटेंट। बस इंटेंशन है, शी में हैव इलिसिट इंटरकोर्स हुआ नहीं है, एडल्ट्री में तो होना जरूरी है। क्या लिखा है? एडल्ट्री को हु एवर हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, बट यहाँ के लिखे हु एवर टेक्स एंटाइस ऑफ एनी वुमन हु इज और हुम ही हैज रीजन टू बिलीव टू बी द वाइफ, उसे पता ही किसी और की वाइफ है, फ्रॉम दैट मैन फॉर or from any person having the care of her on behalf of that man with intent that she may have illicit intercourse with any person or conceal detain, hua nahi hai lekin bhaga liya hai bas abhi, aur is irade se ke galat kaam hoga, hua nahi abhi, theek hai। ab main ipc nahi padha raha, ye aapko ek bar dekhna padega khud, theek hai, baki itna interpretation kafi hai।
दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए 497 एंड 498. ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर. प्रोवाइडेड इन इन द एब्सेंस ऑफ ए हस्बैंड, चलो ये तो हो गया. थर्ड क्या कहता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसका, वेन इन एनी केस फॉलिंग अंडर क्लॉज ए ऑफ प्रोविजो टू सबसेक्शन वन, द कंप्लेंट इज सॉट टू बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन अंडर इट. ठीक है, चलो देखो तीन में क्या बात की गई इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे. वेन इन एनी केस फॉलिंग अंडर क्लॉज ए, ए में हमने किस बारे में बात करी, लुनैटिक है, एडियट है. When in any case falling under sub clause A of 1, the complaint is sought to be made on behalf of the person under age of 18, lunatic, वो सारे जो लोग हैं. By a person who has not been appointed or declared by the competent to be guardian of the person of a minor or lunatic, and the court is said that there is a guardian so appointed or declared, the court shall, before granting the application for leave, cause notice to be given to such guardian and give him an opportunity of being heard. कहने का मतलब यह है, क्या पता ऐसा हो सकता है, दो तरीके के गार्जियन होते हैं, डी फैक्टो गार्जियन और डी जर गार्जियन. पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ जी. यस सर. यस सर. अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आंसर तो दीजिए जल्दी से. ऐसा हो सकता है, क्या पता डी फैक्टो गार्जियन ने कंप्लेंट लगा दी हो ऑन बिहाफ ऑफ माइनर लुनेटिक जो भी है. अब कोर्ट देखे कि भैया इसका तो ऑलरेडी एक लीगल गार्जियन अपॉइंट हुआ हुआ है. लीगल गार्जियन इसको बोलते हैं, जर जर मीन्स लॉ, फैक्टो मीन्स फैक्ट, इन फैक्ट में. तो कोर्ट क्या करेगी भाई, नोटिस जरूर भेजेगी, भैया ऐसा कीजिए कि आप एक बच्चे के बिहाफ पे एक गार्जियन आए हैं, आप इसके लीगल गार्जियन हैं, आप आके देखिए. तो नोटिस भेजेगी कोर्ट. सच गार्जियन की भी रीजन अबाउट बीइंग हर्ड, हर्ड इसको सुनने का मौका दिया जाएगा. ठीक है, यही बात करता है बस. फोर्थ, फोर्थ क्या कहता था, ऑथराइजेशन रेफर टू इन क्लॉज वन बी शैल बी इन राइटिंग, जो भी ऑथराइजेशन दिया जाए. अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया है, ये तो उससे रिलेट करता है ना, बी से. 198 का बी जो है, जिसमें हमने किस बारे में पढ़ा, आर्मी आर्म्ड फोर्स वाले इंसान के, उसको हमने किसके साथ पढ़ा था, 98 का क्लॉज नंबर 4. ठीक है, ये हम रिपीट नहीं कर रहे बार बार. एनी डॉक्यूमेंट परपेटिंग टू बी मेड एन ऑथराइजेशन, ये भी 5, इसके साथ 5 भी पढ़ना पड़ेगा. एनी डॉक्यूमेंट परपेटिंग टू बी such an authorization complying with the provision of 4 and any document preparing to be certificate required by that subsection shall, unless the contrary is proved, be presumed to be genuine, shall be received in evidence. अगर evidence का पंगा आएगा तो इस जो document लगाया गया होगा authorization, authorization कौन देता है? Commanding officer. Husband देता है authorization, वो तो counter sign करेगा. Certified. Commanding officer तो सर्टिफिकेट देगा और सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है, और ये क्या करेगा, ये तो काउंटर साइन करेगा. कारण भी बताया कि भाई इसकी छुट्टी थी, छुट्टी नहीं मिली. और अगर ये एविडेंस में लिया जाएगा तो ये ऑथराइजेशन जो लेटर होगा अपने आप में प्रेज्यूम किया जाएगा ये जेन्युइन है. कुछ चीज़ों को मान के भी तो चलना पड़ेगा, वो इतनी सी बात है. चलो आगे चलते हैं. सिक्स पॉइंट, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑन ऑफेंस अंडर 376. 376 में कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी. वेयर सच ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विद हिज ओन वाइफ, बड़ा बेकार सा प्रोविजन बना दिया इन्होंने. देखो यहां क्या लिखा है, नो कोर्ट शैल टेक अ कॉग्निजेंस ऑन ऑफेंस अंडर 376 में कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी. वेयर सच ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विद हिज ओन वाइफ, अगर एक हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, द वाइफ बिंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, वाइफ कितनी है, 18 साल के अंदर है. बड़ा अच्छा प्रोविजन है, अभी इसको पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे. जो एक हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ के साथ, जिसकी एज 18 साल से कम है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है,
इफ अगर एक साल से ज्यादा बीत चुका है, वन ईयर से ज्यादा मोर एलेप्स्ड एलेप्स्ड बीत चुका है, तो कोर्ट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा नहीं लेगा? कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। लेकिन मैंने क्यों बोला, कोई बता सकता है व्हाई आई एम सेइंग लेकिन? क्योंकि अभी रीसेंट जजमेंट में बोल दिया ना कि वो रेप की कैटेगरी में आएगा या इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, लेकिन इसको खत्म करा है क्या? ये तो आज भी हमारे बैरेट में छुपा पड़ा है। पहले एक बात समझ लेते हैं, अगर हस्बैंड ने अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जो लड़की की एज 18 साल से कम है, तो उस मामले में इस लड़की को एक साल अगर बीत गया, देन शी कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट। लिमिटेशन लगा रखी है, क्राइम में भी लिमिटेशन। अब एक बात समझिए, हमारे पास एक केस है, इंडिपेंडेंट थॉट है। इंडिपेंडेंट थॉट, उसमें अगर कोई 15 से 18 साल की अपनी वाइफ के साथ भी विदाउट द कंसेंट अगर कुछ करता है, दैट इज अमाउंट टू रेप। अब मुझे एक बात बताइए, क्या रेप के केस में लिमिटेशन अप्लाई होता है क्या? नो सर। तो ये जो प्रोविजन है, ये औचित्य लग रहा है आपको कहीं से? एक साल के अंदर आई है तो ठीक, नहीं तो नहीं। ये क्या बात है, खत्म हो जाएगा, इसका एप्लीकेशन खराब हो जाएगा। लेकिन आज ही बैरेक्ट में है, तो वी हैव टू बी अपडेटेड। जो हमारे लॉज जजमेंट लॉज है उसको भी देखना पड़ता है। क्लियर ये वाली बात, इंडिपेंडेंट थॉट हाईलाइट कर देता हूँ ताकि बच्चे कुछ समझ में आ जाए जो रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे शायद। इंडिपेंडेंट थॉट 376, एक साल का लिमिटेशन पीरियड। अब तो ये रेप की कैटेगरी में आ गया ना, रेप का लिमिटेशन पीरियड कितना है सर? कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, क्योंकि 3 साल से ऊपर के ऑफेंसेस जो भी होते हैं उनका लिमिटेशन पीरियड नहीं है। बिल्कुल बढ़िया बात। कौन सा सेक्शन है लिमिटेशन का? 468। बहुत बढ़िया, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, यही तो लिमिटेशन है। फाइन के केस में 6 महीने, 1 से 1, 3 से ऊपर, नो लिमिटेशन 3 वाले में 3। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू द अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट। ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये जितने भी प्रोविजन है इन तीनों पे अप्लाई होंगे, अबेटमेंट, अटेम्प्ट, कमीशन एज टू ऑफेंस। ठीक है, 198A कर लेते हैं क्विकली। ओके, 198A खत्म कर देंगे आज इसको जल्दी से, थोड़ा सा बचाइए, ज्यादा टाइम ले गया लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसलिए डिटेल में करने पड़े। 198A प्रोसिक्यूशन ऑफेंस अंडर 498A। 498A आई एम श्योर सबको पता होगा, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव। कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा 498A के मामले में, एक्सेप्ट अपॉन द पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट होगी तो ले लेगा, बिल्कुल। विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, और अपॉन द कंप्लेंट, या कंप्लेंट आनी चाहिए, मेड बाय द पर्सन, एग्री बाय द ऑफेंस और बाय हर, या तो वो वाइफ खुद ही कर दे कंप्लेंट। अगर वाइफ नहीं कर पा रही तो कौन करेगा? उसका फादर, उसका मदर, उसका ब्रदर, उसका सिस्टर, और बाय हर फादर, मदर और ब्रदर, सिस्टर और उसके फादर, इस वाइफ के फादर और मदर का ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, मदर का ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। ये आसान लग रहा है ना ऐसे लिखना, वाइफ का फादर और मदर, फादर का ब्रदर या सिस्टर, मदर का ब्रदर या सिस्टर, आसान हो गया। और भी है जी, ठीक है। विद द लीव ऑफ कोर्ट, लीव ऑफ कोर्ट कौन कर सकता है? MBA याद रहेगा? Yes, ये देखो, ये नेमोनिक्स बना लेना अपने हिसाब से। MBA तो ठीक लग रहा है, LOC MBA, लीव ऑफ द कोर्ट MBA। वैसे तो ये लॉजिकली याद हो ही जाते हैं, नेमोनिक्स क्या बनाएंगे अब इसके लिए। 198 का भी, अच्छा ये ध्यान रखना है कब ऐड हुआ है। 198A आपका ऐड हुआ है 1983।
1983 ऑलमोस्ट देखो बिल्कुल सिंपल 1983 एक जैसा ही लग रहा है बट थ्री और लगाना है इसमें. Now 198 का बी जो है cognizance of offence. No court shall take cognizance of an offence punishable with 376. बी ठीक है. कौन सा मामला है बी ऑफ इन आईपीसी का. बड़ा बेकार सी बात की गई है इसमें. वेयर द पर्सन आर इन द मैरिटल रिलेशनशिप एक्सेप्ट अपॉन प्राइमा फैसी केस. 376 का बी कौन सा है मामला. जब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ड्यूरिंग दी सेपरेशन है. हाँ जी ड्यूरिंग दी सेपरेशन. सेपरेशन के दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है देन द वाइफ हैज टू प्रूव दैट इट इज अ प्रेमेफेसाई केस. अब ये बेचारी कैसे सिद्ध करेगी. Which constitutes the offence upon the complainant having been filed or made by the wife. हाँ जी बोलिए कुछ कह रहा था कोई. मतलब कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको मतलब पहले वाइफ को. ये बड़ा डिफिकल्ट होता है. Prima facie satisfaction of the fact which constitute the offence upon the complaint having been filed or made by the wife against the husband. देखो अंदर से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता लग गया कि हाँ इस पे एम्फसाइज किस पे है. Prima facie वर्ड पे है. ठीक है प्रेम एफ एस आई वर्ड इसका. और रही बात सेक्शन यहां से आता है कि 376 के बी में 198 के बी में कॉन्गनियंस लिया जाता है. वो क्यों लिया जाएगा. प्रेम एफ एस आई कंप्लेंट करेगी वो वाइफ कि उसके साथ ऐसा हुआ है. देन इट कैन बी टेकन मैरिटल रेप बोलते हैं इसको. हाँ जी इज इट अ मैरिटल रेप. सर ये हो भी सकता है नहीं भी क्योंकि 376 बी में लिखा है ना कि अंडर द डिग्री ऑफ सेपरेशन और अदरवाइज. तो अगर डिग्री ऑफ सेपरेशन नहीं तो शादी थोड़ी ना खत्म हो जाती है. हाँ जी सेपरेशन से शादी थोड़ी ना खत्म हो जाती है. वो तो हस्बैंड वाइफ तो तब भी रहते हैं ना. वो बहुत ध्यान रखना अगर सेपरेशन हो गया. अच्छा एक बात बताइए अगर सेपरेशन हुआ हुआ है जुडिशियल सेपरेशन पे एक साल के लिए होता है ना हिंदू मैरिज एक्ट. अगली बात बताइए अगर इस दौरान अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए ना तो क्वेश्चन इज वेदर द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम. क्या वाइफ क्लेम कर सकती है प्रॉपर्टी में. यस सर आंसर इज बड़ा यस. शादी थोड़ी ना खत्म हुई है. ओके आगे चलते हैं. प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन. Prosecution for defamation. Okay, मानहानि हो गई. मानहानि कैसा offence है. Bailable है non-bailable है. Bailable है. Cognizable है non-cognizable है. Non-cognizable offence. तो इसलिए cognizance court तभी लेगी. कब लेगी. No court shall take a cognizance of an offence punishable under chapter 21. Defamation से deal करता है. एक्सेप्ट अपॉन द कंप्लेंट मेड बाय द सम पर्सन एग्री बाय द ऑफेंस. पहला तो सिंपल सी बात है. फर्स्ट पॉइंट कहता है कंप्लेंट चाहिए. एग्री पर्सन करेगा. एग्रीड पर्सन कंप्लेंट देगा तभी हम बात मानेंगे. प्रोवाइडेड वेयर सच ऑफेंस इज अंडर द एज ऑफ 18. फिर वही बात है 18 साल से कम है लुनैटिक है या इनफर्म है अनेबल टू कंप्लेंट और इज अ वुमेन. अगर ऐसी लेडी है जो जनता के सामने जनरली नहीं आती आर नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन द कोर्ट पब्लिक उसके भी यहाँ पे कौन कर सकता. लीव ऑफ द कोर्ट वाली बात आ गई. लीव ऑफ द कोर्ट एनी अदर पर्सन मेक कंप्लेंट ऑन हिज बिहाफ और हर बिहाफ. ठीक है ये तो सिंपल सा है. नो प्रॉब्लम. सेकेंड यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको भी देख लेते हैं. सिंपल सा प्रोविजन है. अगर मान हानि कुछ डिग्निटरीज की हुई है Not withstanding anything contained in this court. इस कोर्ट में चाहे कुछ भी हो ये प्रोविजन अपने आप में अलग है. Not withstanding का मतलब इस कोर्ट के अंदर कुछ भी है भाई ये वाला प्रोविजन आपको कंप्लाई करना पड़ेगा. What is that? When any offence falling under 21, अगर 21 के अंदर मान हानि हुई है is alleged to have been committed against the person who at the time of such commission is
अगर आपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर इन यूनियन टेरिटरीज के अंदर होता है, मिनिस्टर, और यूनियन टेरिटरीज के अंदर एनी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन, पब्लिक सर्वेंट कौन हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करता है या स्टेट गवर्नमेंट के काम करता है, ऑफिस कंडक्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, और जिस वक्त काम कर रहे थे पब्लिक फंक्शन में थे, वाइल डूइंग अ पब्लिक फंक्शन कोर्ट ऑफ सेशन जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कब तक नहीं लेगा, विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट अपॉन द कंप्लेन इन राइटिंग मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहां से देखो, जनरली कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेता, लेकिन अगर इनकी मान हानि की बात आएगी कोर्ट ऑफ सेशन में मामला चलेगा, कोर्ट ऑफ सेशन. लेकिन फिर भी कब कॉग्निजेंस लेगा, पहली बात लिखित में होना चाहिए, ठीक है, इट मस्ट बी इन राइटिंग. कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट कैसे होगी, राइटिंग में होगी, एंड मेड बाय कौन करेगा, पीपी करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर. बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आया हुआ, यहां पे स्टार लगा देते हैं. एवरी कंप्लेंट रेफर टू इन टू शैल सेट फोर्थ द फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस. अब जो भी कंप्लेंट होगी उसके अंदर फैक्ट्स लिखे जाएंगे, नेचर ऑफ द ऑफेंस फैक्ट्स हो गए, नेचर लिखा जाएगा, एंड सच अदर पर्टिकुलर एज आर नेसेसरी reasonably sufficient to give notice to the accused of the offence alleged to have been committed by him. जिससे ये बात पता लगे, accused को ये बात पता लग पाए उसने क्या crime किया है, उस बात का उसको notice मिल जाए कि हाँ भाई इसलिए तेरे को हम court में बुला रहे हैं. Now the fourth one is, no complaint under subsection 2 shall be made by the public prosecutor. PP complaint नहीं करेगा, उससे पहले PP को भी previous sanction लेनी पड़ेगी, ठीक है, पीपी को भी प्रीवियस सेंशन लेनी पड़ेगी. किससे लेगा प्रीवियस सेंशन, स्टेट गवर्नमेंट से लेगा. ऑफ कोर्स ही बात है, गवर्नर है या ये स्टेट के जो लोग हैं वहां पे स्टेट गवर्नमेंट से लेगा, और अगर स्टेट के मिनिस्टर या पब्लिक सर्वेंट है तो भी स्टेट गवर्नमेंट से लेगा, और अगर बात करें सेंट्रल के हैं कोई और जो बच गए जो सेंट्रल के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी परमिशन पीपी को, और पीपी फिर लिखित में कंप्लेंट करेगा कि उस इंसान ने एक्स वाई जेड पर्सन ने इंडिग्निटरीज का डिफेमेशन किया है, मानहानि करी है वाइल दे वर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी, वाइल दे वर डिस्चार्जिंग देयर पब्लिक फंक्शन. इन दैट केस द मैटर हैज टू बी डायरेक्टली ट्रायल्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. द कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ इट. कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकता है. फिर कंप्लेंट पे होना चाहिए, सेंशन होनी चाहिए, देन ओनली. No court of session shall take cognizance on offence under subsection 2 unless the complaint is made within 6 months. तो एक limitation period है भैया, 6 महीने के अंदर आ जाइए नहीं तो हम नहीं सुनेंगे आपकी बात. From the date on which the offence alleged to have been committed, जिस दिन offence हुआ उस दिन के 6 महीने के अंदर ही आप court of session में cognizance के लिए PP साहब जो है application complaint लगा सकते हैं. Now, six क्या कहता है, एक limitation period हो गई नहीं. Nothing in this section shall affect the right of a person against whom the offence alleged to have been committed to make a complaint. ठीक है, देखो अगर president चाहे ये लोग चाहे तो ये तो कर ही सकते हैं. They are free to file a complaint against that person who has defamed. अभी हम बात कर रहे हैं. Nothing in this section shall affect the right. Of course ही बात है. जिन लोगों का डिफेमेशन हुआ वो तो कंप्लेंट कर ही सकते हैं. इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड टू मेक अ कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस बिफोर अ मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिशन द पावर ऑफ द सबमिसिव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अपॉन सच कंप्लेंट. इनको नहीं रोकता है ये लोग जो है. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट, इनका राइट प्रभावित नहीं होगा. पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन मेड, ठीक है, इनके खिलाफ यानी इनका जो राइट है, they can also proceed to the court for, ये complaint file कर सकते हैं. अब complaint किस लिए file करेंगे,
ये भी फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट कि हमारी मानहानि करी है इसने, कंपनसेशन भी तो मांग सकते हैं। और जो डिफेमेशन है, डिफेमेशन एक सुब्रमण्यम स्वामी जी का केस है, सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम तो है स्वामी, हाँ सुब्रमण्यम स्वामी का। वो डिफेमेशन में दो एंगल डील किए गए थे कि जो डिफेमेशन को है या तो सिविल बना दिया जाए, पूरा क्रिमिनल हटा दिया जाए, लेकिन वो फिर आज भी क्रिमिनल भी है सिविल भी है। कोर्ट ने कहा अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्रिमिनल होना ही चाहिए डिफेमेशन। इज दैट क्लियर? इट्स ओवर नाउ। हाँ जी यस सर। चलो आज खत्म करते हैं, फिर क्लासेस को वाइंड अप करते हैं। कल से हम पढ़ेंगे 200 ऑनवर्ड्स, और अभी मुझे पता है 165 ऑनवर्ड्स के कुछ प्रोविजन बचे हुए हैं। विल डू इट, डोंट वरी। बहुत सारी चीजें बीच में हमने छोड़ी हुई हैं। समन के बाद से हमने प्रोविजन छोड़ रखे हैं 61 से, वो मिसलेनियस से प्रोविजन है, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो लेट्स सी प्रोसीड, आई मीन जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने देंगे, बढ़िया चल रहा है कोई बात नहीं। आज थोड़ा कम प्रोविजन करें, लेकिन ये प्रोविजन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मिस हो जाते हैं, ज्यादातर लोग इनको एम्फेसाइज करके नहीं पढ़ते हैं। देयरफॉर इसको आप इसी एंगल से पढ़ना, एक बार दोबारा चाहे तो पढ़ लेना, आपको भूलोगे नहीं फिर, ठीक है? क्योंकि पेपर प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आते ही हैं। विल सी टुमारो 200 से लेकर आप कहां तक पढ़ लेंगे कल? एटलीस्ट आप पढ़ लेना, कोशिश करिए अगर आप चार्ज तक पढ़ लें 223 तक, होगा नहीं कल बट पढ़ के रखिए एडवांस में, ठीक है? यस सर। ओके सर, चलो विल मीट यू टुमारो 5:30। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर।